Well, sir, good morning to all of you. Yes, तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा, तो आज जो आपके कोई डाउट्स हो गए तो यूट्यूब पे लूँगा, क्योंकि ऐप अभी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हुआ है. तो कल से मैं, कल का लास्ट सेशन रहेगा यूट्यूब का, और कल मैं ऐप से भी कनेक्टेड रहूँगा. ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा वो रिवाइज कर देता हूँ. आज थोड़ा लेट हो गए, बट चलो, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है. तो चलिए यहाँ पे जो भी हमने कल देखा, दो मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. सिर्फ स्पेशली चैप्टर नंबर 2, सेक्शन 9 का जो चार्ट है, चैप्टर नंबर 2 में जो भी बेटा आपके क्वेश्चंस हो गए, डाउट हो गए, बुक्स नहीं मिली, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, आखिरी में पूछो. मैं अभी एंटरटेन करने वाला भी नहीं हूँ, आखिरी में मेरी टीम कनेक्टेड रहेगी तो बेटर वे, क्योंकि अभी मैं क्लास में सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो बेटर वे आखिरी में ही आप पूछो तो ज़्यादा अच्छा है. जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, सेक्शन 9.1 चार्जिंग सेक्शन ध्यान से देखिएगा. ये सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स. ठीक है, लेवी कौन से इवेंट्स पे है? तो लेवी यहाँ पे मैं फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, चार्ज, वैल्यू एंड रेट. चार्ज जो है सीजीएसटी का चार्ज होगा तो इंट्रास्टेट पे है. ठीक है, एसजीएसटी का चार्ज होगा तो वो भी इंट्रास्टेट. ये मैंने मेरे तरफ से ऐड किया एसजीएसटी. ठीक है, और IGST होगा तो इंटरस्टेड. सेक्शन 9.1 IGST के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यस और नो, कि अगर इंटरस्टेड होगा तो IGST. तो लेवी किस पे आती है? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि GST आएगा? तो आपने इंटरस्टेट या इंटरस्टेट सप्लाई किया तो GST आएगा. सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, आपने गुड्स का सप्लाई किया हो या सर्विसेज का सप्लाई किया हो. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके, तो ये कवर नहीं होगा. उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन 9.2 में फॉलोइंग गुड्स जिसके ऊपर GST जब काउंसिल रिकमेंड करेगा तब पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST आएगा. कलेक्शन इन सच ए मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, देखेंगे आगे कलेक्शन कैसे होगा. एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज टैक्सेबल पर्सन. ये जस्ट हमने एक चार्ट का फॉर्मेट बनाया, ये जो चार्ट का हमने फॉर्मेट बनाया, और इसको अब आगे डिस्कशन में हम यहाँ पे लेंगे. आप आ जाइए चैप्टर नंबर थ्री पे. कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? सप्लाई. जैसे सेक्शन 9.1 कहता है, सुनिए ध्यान से सभी, जैसे सेक्शन 9.1 कहता है कि GST जो है वो सप्लाई पे है, तो सप्लाई और सेल में क्या डिफरेंस है, सप्लाई मैन्युफैक्चर में क्या डिफरेंस है, ओके, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है. और ये पूरा चैप्टर जो है एक वर्ड पे है और वो है सप्लाई. ठीक है, ये चैप्टर का स्टार्ट हो सकता है कि आपको ग्रिप ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसा बढ़ेगा. चैप्टर 1 पे कॉन्फिडेंस आया, यस और नो? वैसे ही मैं आपको एश्योर करता हूँ कि चैप्टर 3 भी आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बनेगा. इज इट क्लियर? पर थोड़ा मुझे टाइम देना, धीरे धीरे हम आगे कवर करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 2 की बहुत सारी डेफिनेशंस. जैसे कल हमने सेक्शन 2 में इंडिया की डेफिनेशंस देखी थी, यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशंस देखी थी, यस और नो? यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन देखी थी. ऐसी इस चैप्टर में सेक्शन 2 के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं उसकी भी हम डेफिनेशंस देखने वाले हैं. मेनली दो सेक्शन जो आपको लर्न करना है, सेक्शन लर्न करना है
नहीं भी आप करते हो तो भी मैं करवा लूँगा, डोंट वरी फॉर दैट। और कौन से दो सेक्शन? सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8, ये दो सेक्शंस आपको पूरे अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, तो चलो तीन सेक्शन हमारे यहाँ पे हमारे लिस्ट में आ जाने चाहिए। एक बार मेरे साथ फिर से, सेक्शन 7 सप्लाई, कमन कमन, सेक्शन 7 सप्लाई, सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, और सेक्शन 9 कल हो चुका है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 कल हो चुका है सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, इज इट क्लियर। तो सेक्शन लर्न करने की शुरुआत आपको सेक्शन 7 से करनी है, आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। सर अगर सेक्शन मेरे से सेक्शन लर्न होते ही नहीं है, तो नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, जितना मैं रिवीजन करवाऊंगा क्लास में उसमें हो जाए, इजीली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन पर्सन, पहली डेफिनेशन पर्सन। अब ये डेफिनेशन इनकम टैक्स को बेस लेके बनाई गई जीएसटी में, थोड़ा कुछ अपना ऐड किया गया, पर आपकी पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स में हो चुकी होगी, यस और नो? इधर इनकम टैक्स में याद होगा आपको डेफिनेशन पर्सन की। तो चलिए दोस्तों पर्सन की डेफिनेशन जो है, पहली बात तो हम पर्सन की डेफिनेशन क्यों दिख रहे हैं, मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी कि टैक्सेबिलिटी इवेंट पे आती है, और जो पर्सन, आई रिपीट, जो पर्सन उस इवेंट को टच करेगा वो लायबल होगा। तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? ओके, तो चलिए यहाँ पे इंडिविजुअल, इसमें कोई डाउट नहीं। HUF, HUF यानी क्या होता है आपको पता है? यस और नो? क्लियर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी फर्म, ओके, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, यानी इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल सप्लाई करेगा जीएसटी आएगा, HUF सप्लाई करेगा जीएसटी आएगा, कंपनी सप्लाई करेगी जीएसटी आएगा, फर्म पार्टनरशिप फर्म सप्लाई करेगी जीएसटी आएगा, ओके। उसके बाद में क्या, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अगर ये सप्लाई करेगा तो इस पर भी जीएसटी आएगा, ओके। यस बेटा, ध्यान है, क्लियरली, ओके। देखो सारे टेंशन भूल जाओ, एक लंबी सांस लो और कहो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करना है। आर यू रेडी? सारे टेंशन भूल जाओ, ओके। यहाँ पे जितनी लाइफ मैंने जिया है, मैंने समझ लिया है कि टेंशन आते हैं और जाते हैं, और अच्छी चीज़ें आते रहती है, यस और नो? हाँ, तो अब ऐसे केस में नेक्स्ट LLP के बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी क्या, AOP और BOI, ये भी टर्म्स आपकी हो गई इनकम टैक्स में। अगर कोई स्टूडेंट का इनकम टैक्स नहीं होगा तो हो जाएगा इनकम टैक्स में, डोंट वरी, बहुत अच्छे से आपको कवर कर लिया जाता है। इसलिए मैं GST में इसको कवर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, ओके। अब मैं सिर्फ एक लाइन पे आऊँगा, AOP और BOI इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इन इंडिया और क्या आउटसाइड इंडिया में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नॉन इनकॉर्पोरेटेड भी अलाउड है। सर ये क्या है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जैसे छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कुछ पर्सन मिलके एक बॉडी बना रहे हैं, या जैसे क्लब हुआ, क्लब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जॉइंट वेंचर हुआ, JV, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इज इट क्लियर? कि भाई पार्टनरशिप नहीं करना है, एक वेंचर के लिए साथ में आना है। समझ लो कि भाई कोई स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक वेंचर चलाना है प्रेस्टीज पॉइंट पे, और प्रेस्टीज पॉइंट पे कोई भी वेंचर चलाना है, ओके, प्रेस्टीज पॉइंट पे कोई भी वेंचर चलाना है, तो सारी एकेडमीज उस वेंचर के लिए साथ में आ गई, तो एसोसिएट हो गई, इज इट क्लियर? तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे वो इनकॉर्पोरेटेड हो भी सकती है, और इंडिया में जरूरी नहीं कि वो इनकॉर्पोरेट हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, और वो एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, 2016 की बात है, कुछ स्टूडेंट्स ने, कुछ इंटर और फाइनल के स्टूडेंट ने प्रेस्टीज पॉइंट स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया था, कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड करना कि भाई मेस के लिए, PG के लिए, हॉस्टल्स के लिए, तो बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे स्टेप लिया था।
तो नए नए स्टूडेंट्स को हेल्प करना, नोट्स के लिए हेल्प करना, लाइब्रेरी के हेल्प करना, स्टडी सेंटर के लिए हेल्प करना, और कुछ वो उन्होंने 10 मेंबर की बॉडी बनाई थी, उन्होंने एक साल वेंचर बहुत अच्छा भी चलाया था। तो कुछ फिर मेंबर्स बने, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेंबर बने, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनी, पर उन्होंने रजिस्टर भी करवाया, बैंक अकाउंट भी निकाला। लेकिन कैसा होता है, इंडिया में फोर्सफुली नहीं किया है कि भाई आप बॉडी बना रहे हो तो आप रजिस्टर्ड ही करो, हो सकता है वो इनकॉर्पोरेटेड हो सकता है वो नॉन इनकॉर्पोरेटेड हो, और इन इंडिया और क्या आउटसाइड इंडिया, इंडिया की हो या आउटसाइड इंडिया की हो, वो पर्सन में आ जाएगा। नेक्स्ट, एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश बाय और अंडर एनी लॉ और स्टेट। ओके, तो बहुत से जो कॉरपोरेशन बनते हैं, जनरली आप विलेज लेवल पे देखते हो कॉरपोरेशन्स, ओके, सब लोग मिला के कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन बनते हैं, वो कॉरपोरेशन भी पर्सन माने जाएंगे। नेक्स्ट, बॉडी कॉरपोरेट इनकॉरपोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया। जैसे हमारी इंस्टीट्यूट बॉडी कॉरपोरेट है, कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये बॉडी कॉरपोरेट है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी कॉरपोरेट यहाँ पे बनती है तो वो भी पर्सन मानी जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद में लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट। ख्याल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये भी पर्सन में है, लोकल अथॉरिटी भी पर्सन में है। मतलब इससे ये एक मैसेज आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे के लिए डोर बांध रहा हूँ, इसके लिए एक ये मैसेज आ रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई करती है तो उस पर भी GST आ जाएगा। सर, गवर्नमेंट अपने आप से GST लेगी? हाँ, यस और नो? ओके, उस पर भी GST आएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ट्रांसफरेबल है, गवर्नमेंट भी ट्रांसफर करेगी जो उनसे सर्विस ले रहा है, जो उनसे गुड्स ले रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट भी टैक्स पे करेगी, सोसाइटी होगी तो वो भी कवर होगा, ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट, ओके, तो ट्रस्ट भी, ख्याल रहे, हो सकता है कि इनकम टैक्स में आपने पढ़ा हो ट्रस्ट को एग्जम्पशन है, पर यहाँ पे ट्रस्ट इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ GST। इज इट क्लियर? डोंट कंपेयर IDT स्पेशली GST विथ योर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज टोटली डिफरेंट एंड GST इज टोटली डिफरेंट। इज इट क्लियर? तो ट्रस्ट भी होगी तो उसे भी पर्सन माना जाएगा। और लास्ट में तो ओपन कर दिया, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन बनता है, जुडिशियल पर्सन बनता है, तो वो भी GST के स्कोप में आ जाएगा। सर, डेफिनेशन लर्न करनी है क्या? कीप इन प्रायोरिटी भी पढ़ लेना, पर GST में तो मैं कन्फर्म बोल देता हूँ कि डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, इनकम टैक्स में पूछा जा सकता है, ठीक है, पर रीड कर लेना। डन? ओके, नाउ अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूँ, और वो है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। इसलिए नेक्स्ट 1 आवर पूरा 100% आपका फोकस रखना। बहुत सारी चीज़ें हम अब आगे डिस्कस ऐसी करने वाले हैं कि जो आगे के चैप्टर की डोर बांधेगी। इज इट क्लियर? डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, चलिए। आगे बढ़ने के पहले एक फ्लो बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको इतना बुनूंगा ना कि आप एक बार बोलोगे बस समझ गया अब बस। अरे हाँ, है ना, सिर्फ अभी क्या मान रहा हूँ, डोर मान रहा हूँ, ठीक है। जनरली एग्जांपल लो, वी स्मार्ट बिजनेस एंटिटी है, और वी स्मार्ट ने फैकल्टी से सर्विस लिया, वी स्मार्ट ने यहाँ पे एडिटिंग सर्विस लिया, वी स्मार्ट ने गुड्स खरीदा, कैमरा खरीदा, वी स्मार्ट ने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सर्विस लिया, ये सर्विस लिया। अब मुझे ये बताओ, हु आर द सर्विस प्रोवाइडर्स? फैकल्टीज, एडिटिंग में जो भी कंपनी होगी, कैमरा, इंटरनेट वगैरह, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हुए।
ये सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, ध्यान से सुना, एक एक पॉइंट ध्यान से सभी, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इन बिटवीन अभी फिलहाल कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, आई एश्योर यू कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे, क्लास के एंड में पूछे जो भी पूछना है, ठीक है। फैकल्टी जो है ये सप्लायर है, ये सप्लायर है, इनवॉइस बनाया जिसकी वैल्यू है, समझ लो फैकल्टी का बिल आ रहा है जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपये, और उसके ऊपर GST कितना, @18%, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, 18,000, 18%, ठीक है। एडिटिंग का बिल आया जो भी है, कैमरा एडवर्टाइजमेंट का बिल आया। अब क्या होता है कि जो भी सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, मुझे बताओ नॉर्मली, आई रिपीट द वर्ड, क्या नॉर्मली GST पे करने की लायबिलिटी किसके ऊपर है? सप्लायर पर। रिवर्स चार्ज तब तक मत करना जब तक वो लिस्ट में ना आए, हमारी नोटिफाइड लिस्ट है रिवर्स चार्ज की, यस और नो? नॉर्मल चार्ज ही करना। रिवर्स चार्ज याद आ रहा है आपको? रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी रिसिपिएंट पर, बट ओनली इन नोटिफाइड केसेस, बट ओनली इन नोटिफाइड केसेस। तो एक पोर्टल होता है जिसका नाम है GSTN पोर्टल, जो मैं आपके आगे बताऊंगा, GST www.gst.gov.in, ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसको GSTN पोर्टल करते हैं। सर GSTN पोर्टल है ना, क्या गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क, आई रिपीट द वर्ड, क्या नेटवर्क, इसको कहते हैं GSTN पोर्टल, ये एक वेबसाइट है, www.gst.gov.in। क्या होता है कि जो भी लोग GST पे करते हैं इस वेबसाइट पे, उसका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जिसकी भी GST लायबिलिटी आ रही है थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद, आई रिपीट द वर्ड, क्या मुझे सभी रिस्पॉन्स दे, थ्रेशोल्ड लिमिट नॉर्मली कितनी है? 20 लाख तक आपको GST देने की जरूरत नहीं, और कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में 10 लाख, और कुछ केसेस में 40 लाख, पर अभी तो आप बेसिक लेवल पे 20 लाख याद रखो। मतलब इंडिया का जो भी सप्लायर मे बी जो बिजनेस कर रहा है, मे बी इंडिविजुअल, HUF, ट्रस्ट, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, बॉडी कॉरपोरेट, ब्ला ब्ला, अरे है ना, जो भी बिजनेस कर रहा है, अगर 20 लाख से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो जाता है तो वो बंदा टैक्सेबल पर्सन हो जाता है, और उसको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अपने टैक्स कंप्लायंसेस वो तब तक नहीं करता है जब तक नहीं कर सकता जब तक वो GST में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो जैसे इनकम टैक्स में आप अपना रजिस्ट्रेशन पैन से करते हो, पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, पता है ये गवर्नमेंट आपको आपके नाम से नहीं जानती, ऐसे श्याम राव राम राव 10,000 लोग हो गए इंडिया में, नाम से नहीं जानती, आपको एक नंबर देती है और आपको रिकग्नाइज किया जाता है उस नंबर से, जिसको GST में कहा जाता है GSTIN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, आई रिपीट द वर्ड, क्या GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा, उसकी सारी डोर बांध रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सबको एक GST मिलता है, कंपनी को मिलता है, ट्रस्ट को मिलता है, सोसाइटी को मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, क्लियर इधर? जो भी पर्सन लायबल टू पे टैक्स है GST मिलता है। समझ लो मेरे जो सप्लायर है, फैकल्टीज है, GST में रजिस्टर्ड है, तो रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो तो आपका पोर्टल पे एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड, पोर्टल में यूजर आई डी पासवर्ड बन जाता है, वो आपको मेल आ जाता है, आपका यूजर आई डी ये है और आपका पासवर्ड ये है, इज इट क्लियर? फिर वो यूजर आई डी और पासवर्ड आप जैसे ही डालते हो, जैसे मैं जब एक्चुअल बताऊंगा तो मैं अपना यूजर आई डी पासवर्ड डाल के बताऊंगा, पर पासवर्ड डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं पोर्टल पर चले गया तो फिर क्या होता है, एक पहली सिंपल प्रोसीजर ये होती है कि जो भी गुड्स सप्लाई करता है, जितना उसने पूरे मंथ में सप्लाई किया है उसका, हाँ पूरा मंथ में सप्लाई किया, एक नाम दूंगा मैं, क्या आउटवर्ड सप्लाई,
जितना भी पूरे मंथ में आउटवर्ड सप्लाई किया है वो उसको पोर्टल पे रिपोर्ट करना पड़ता है कि मैंने ये पूरा आउटवर्ड सप्लाई किया है, ठीक है। और वो उसको रिपोर्ट करना पड़ता है एक फॉर्म से जिसका नाम है GSTR1। क्या? GSTR1, कि मैंने इतना आउटवर्ड सप्लाई किया है। आई होप यू अंडरस्टूड। इतना आउटवर्ड सप्लाई किया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी स्मार्ट ने इस बार फेस टू फेस एडमिशंस ली, वो आउटवर्ड सप्लाई हुआ, फाउंडेशन इंटर फाइनल, उसके बाद में बुक सेल किया, उसके बाद में टेस्ट सीरीज के एडमिशंस ली, सब आउटवर्ड सप्लाई। ये समझ में आया क्या? उसके बाद में ऑनलाइन एडमिशंस हैं, ऑनलाइन एडमिशंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के एडमिशंस हैं, ये पूरा आउटवर्ड सप्लाई मुझे जो है एक स्टेटमेंट में देना पड़ता है। और एक बार सभी जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी यहाँ पे इस फॉर्म पे ध्यान रहो, और वो आउटवर्ड सप्लाई, बोलो मेरे साथ, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट। आई रिपीट द वर्ड, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट कौन सा होता है? GSTR1। कौन सा होता है? GSTR1। इज इट क्लियर? जिसमें मुझे पूरा देना पड़ता है। अब ये स्टेटमेंट में टेबल होते हैं, टेबल में वो पूछते हैं B2B कितना और B2C कितना, B2B और B2C। अब सर ये B2B और B2C क्या होता है? लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। लेकिन अब आप अभी से मैच्योर्ड हो जाना GST में। GST में B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। GST में आई रिपीट, अगर कोई सो रहा होगा तो 10 मिनट बाद सोए, पहले ध्यान दे, ठीक है। GST में B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर, और B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। मुझे बताओ, जब आप मेरे पास आते हो और मैं आपको GST का इनवॉइस देता हूँ, तो हमारा ट्रांजेक्शन B2B है या B2C है? B2C है, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, कंज्यूमर डायरेक्ट। इज इट क्लियर? तो इसके आगे अगर मैं B2B कहूँ तो रजिस्टर टू रजिस्टर्ड, एंड B2C कहूँ रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ये पॉइंट मैं बाद में रखता हूँ। अब फैकल्टी GST में रजिस्टर्ड है, और वी स्मार्ट भी GST में रजिस्टर्ड है। अरे यस और नो? तो फैकल्टी जब बिल वी स्मार्ट पे देगी, ट्रांजेक्शन B2B होगा या B2C होगा? B2B होगा। या अदर कंपनीज एडिटिंग का बिल दे रही है, कैमरे का बिल दे रही है, ये समझ में आ रहा है, या फिर एडवर्टाइजमेंट का बिल दे रही है, ये सारे ट्रांजेक्शन्स B2B हो गए। तो जो भी सप्लायर है, यानी ये सप्लायर अपना GSTR1 देगा, इस GSTR1 में इस फैकल्टीज ने जितनी भी सर्विसेज दी होगी, वी स्मार्ट को दी होगी या किसी और को दी होगी, ये समझ में आया ना, वो सबका डिटेल एक फॉर्म में देगा, और वो फॉर्म होता है GSTR1। दूसरा एडिटिंग वाला ने जितनी भी सर्विसेज दी होगी, गुड्स दिया होगा, वॉट एवर इट में भी, वी स्मार्ट को दिया होगा या बाकी दुनिया भर के लोगों को दिया होगा, वो एक फॉर्म में अपडेट करता है, और वो कौन सा? GSTR1। सेम कैमरे वाले ने रोज हजारों लोगों को बेचा होगा, समझ में आया ना, तो पूरे मंथ का, आई रिपीट द वर्ड, पूरे मंथ का डेटा वो एक फॉर्म में देते हैं, और उसका नाम होता है GSTR1। आई होप यू अंडरस्टूड। वो अपलोड कर देते हैं, वो अपलोड, वो सिंपल फॉर्मूला होता है, और मैं आपको यहाँ पे पूरा अपलोड करके बताऊंगा। मैंने एक सेशन रखा ही है उसके लिए कि प्रैक्टिकली कैसा होता है। इज इट क्लियर? तो क्या होता है, जितने भी बिल बने, समझ लो ये आपका पहला बिल है, गायब हो गए क्या यहाँ पे सारे कुछ? तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लो ये आपका पहला बिल है, पहला बिल आ गया, B2B का बिल है, वो एक्सेल में फीड होता है। एक्सेल में फीड होता है, पूरी एक्सेल बनाई जाती है उसकी, एक्सेल में सप्लायर नेम, सप्लायर GSTN, अरे है ना, बायर्स नेम, बायर GSTN, B2B है मतलब बायर का भी GSTN होगा, कम ऑन, B2B है मतलब बायर का भी GSTN, वैल्यू, टैक्स, CGST, SGST एंड आई, ऐसे पूरी एक्सेल बनती है उसकी रो की, फिर दूसरा बिल, फिर तीसरा बिल, फिर चौथा बिल, ऐसे B2B के सारे ट्रांजेक्शन्स बनते हैं। यस और नो? तो ये सारा एक्सेल, जैसे एक्सेल रेडी हो गई, हम पोर्टल पे जाते हैं एंड पोर्टल पे क्लिक करते हैं अपलोड एक्सेल। जैसे एक्सेल अपलोड हो जाती है, वो पूरा डेटा
पोर्टल कैप्चर कर लेता है और वो सारे ट्रांजेक्शन किस पे अपलोड हो जाते हैं? GSTN पोर्टल पे. क्लियर? यस और नो? और फिर वो रिफ्लेक्ट होता है, एक एक ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होता है पोर्टल पे आपका, एक एक बायर का ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होता है जैसे वो एक्सेल इंपोर्ट होती है. इज इट क्लियर? तो अब ऐसे केस में यहां पे GSTR1 सारे फाइल करेंगे. अब देखो, जिसने भी GSTR1 दिया, आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट, ये बिल के क्रेडिट मेरे को मिलेंगे. मैं फैकल्टी के बिल का क्रेडिट ले सकता हूँ क्योंकि मैं भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ. अरे यस और नो? तो फैकल्टी के बिल का क्रेडिट मिलेगा. अब बॉस, आई होप आपको क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं होगी. मैंने पहले चैप्टर में जान लगा दी उसके लिए. उसके बाद भी किसी को प्रॉब्लम है तो पहला चैप्टर 10 बार पढ़े, 10th time तो समझ में आ ही जाएगा उसको. समझ में आया ना? तो अब ऐसे केस में जो है, यहाँ पे मुझे इसके क्रेडिट मिलेंगे, इसके क्रेडिट मिलेंगे, इस क्रेडिट, इस मंथ के मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, लास्ट जो GSTR1 हमने फाइल किया और क्रेडिट लिया तो लगभग 72 बिल्स थे अलग अलग सप्लायर्स के. कोई AC रिपेयरिंग का बिल था, कोई हमने फ़ैन खरीदा, कोई लाइट खरीदा, कोई कैमरा खरीदा. अरे समझ में आ रहा है? फैकल्टीज़ के बिल थे. तो ऐसे कुछ 72 बिल्स थे जिसके हमको क्रेडिट मिले. यस और नो? समझ में आया? अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि क्रेडिट हम आपको इनवॉइस पे नहीं देंगे. इनवॉइस तो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, मेरा वर्ड सुनना, इनवॉइस तो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, वो तो लगेगा ही. लेकिन लोग फेक इनवॉइस भी बना लेते हैं. नहीं भी खरीदा होगा तो क्या है, आजकल तो कौन सा एडिटिंग करना, मोबाइल में एडिट हो जाता है फेक इनवॉइस में. तो गवर्नमेंट ने एक प्रोसीजर लाई. अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट कहती है कि आपके सप्लायर ने जब GSTR1 दिया होगा तो बायर का GST भी दिया होगा, देना ही पड़ता है, स्पेशली इन केस ऑफ B2B, स्पेशली इन केस ऑफ B2B बायर का GST दिया होगा. तो ये पोर्टल क्या करता है, ये पोर्टल बायर के GSTN का एक फॉर्म तैयार करता है जिसको कहते हैं GSTR2B, जिसको क्या कहते हैं, GSTR2B. मतलब VSmart का, ओके, VSmart के लॉगिन में, आई रिपीट, VSmart के लॉगिन में एक GSTR2B बनता है. और जो जो लोगों ने GSTR1 अपडेट किया है उधर, ओके, ये पोर्टल मेरे 2B में वो ऐड करते रहता है. समझ में आया क्या? समझ लो, फैकल्टी ने जैसे ही GSTR1 दिया, ये समझा नहीं समझा, तो ये पोर्टल, क्योंकि वो पोर्टल को बताया मेरा GST ने, तो वो पोर्टल उसका टैक्स मेरे 2B में ऐड कर देगा. समझाया? मेरे 2B में ऐड करेगा, वो ऑटो अपडेट होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड. जैसे ही एडिटिंग वाले ने 1 दिया, ये मेरे 2B में ऐड कर देगा, मतलब ये मेरे बकेट में लाते जाएगा. ओके, इसने 1 दिया, 2B में आ गया. अब मैं GSTR वर्ड नहीं, मैं GSTR1 और 2B में 1 और 2B बोलूंगा. पहले तो बताओ, वहां समझ में आया? क्लियर? इधर ऑनलाइन जो कनेक्टेड है, क्लियर? समझा होगा तो यस बोलिए, जो भी ऑनलाइन कनेक्टेड है, ठीक है. तो अब इसने GSTR1 दिया, मेरे 2B में आ गया. इसने GSTR1 दे रहा है 2B, तो बताओ 2B मेरा आउटवर्ड है या इनवर्ड का ITC है? इनवर्ड का ITC. यानी गवर्नमेंट इतना कंट्रोल करके बैठी है कि भाई इनवॉइस तो लगेगा, प्लस सामने वाले ने GSTR1 भी देना चाहिए, वो अपलोड भी होना चाहिए, और फिर तुम्हारे 2B में आएगा, और तुम्हारे 2B में आने के बाद ही आपको क्रेडिट मिलेगा. इज इट क्लियर? 2B में आने के बाद ही क्रेडिट मिलेगा. तो अब कभी कभी क्या होता है, सर 2B में नहीं आया, तो गवर्नमेंट कहती नहीं. मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी हमने 2 फैन खरीदे ऑफिस में, यहाँ पे अपर बड़वन चौक से इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, ठीक है, यहाँ जो स्क्वायर है पुणे में, वहाँ से 2 फैन खरीदे. अब ये 2 फैन खरीद लिए, मैंने कंपनी के नाम का बिल लिया, मैंने स्पेशली बोला था कि उनको VSmart का बिल देना. एक्चुअली VSmart हमारा ब्रांड है, कंपनी नेम इज़ EduSmart. इज इट क्लियर? तो मैंने, और सामने वाले ने मेरे GST, पर पता चला यार उसने GSTR1 दिया ही नहीं, बिल तो आ गया मेरे पास,
ये समझ रहे हो, बिल तो आ गया पर वो बंदे ने GSTR1 अपलोड ही नहीं किया, शायद लेट हो गया होगा, कुछ भी होगा, और उसने अगर अपलोड नहीं किया तो उस मंथ के टू बी में आया ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बिल भी आ गया, गुड्स भी आ गया, मैंने पेमेंट भी कर दिया, मैंने पेमेंट भी कर दिया बंदे को, समझ में आया, पर मेरे टू बी में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, टू बी में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ तो मुझे क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। मैंने इमीडिएट अकाउंटेंट को बोला कि कॉल कर भाई उसको, अभी ये मंथ में नहीं तो अगले महीने में तो अपलोड कर दे, समझ में आया ना, चलो भूल गया तो अगले महीने में अपलोड कर देना, नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट ले लूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये टू बी फाइल करना पड़ता है या ऑटो अपडेट होता है? और ये टू बी किसका? वी स्मार्ट का ऑटो अपडेट होता है। यस और नो? अब ये जो टू बी है, जो मेरे क्रेडिट्स है, ऐसे इनके भी टू बी बनते हैं। किसके टू बी बनते हैं? जो सप्लायर है। पर अब पीछे कितना जाओ, कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये समझ में आया क्या? उनको भी क्रेडिट मिलेंगे, उनके भी टू बी बनेंगे। इज इट क्लियर? तो अब वी स्मार्ट का टू बी क्रेडिट है, वी स्मार्ट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है तो वी स्मार्ट भी GSTR1 देगा। यस और नो? मैं भी तो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ, मैं भी GSTR1 दूंगा। और ये GSTR1 देना पड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, ये GSTR1 देना पड़ता है, जो भी वन दे रहा है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, ये GSTR1 देना पड़ता है मंथ होने के बाद अगले महीने की 11 तारीख तक। मंथ होने के बाद अगले महीने की 11 तारीख तक। तो मुझे बताओ अप्रैल का GSTR1 कब जाएगा? हाँ, मई 11। अच्छा, मई 11 में जब मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा अपलोड, लास्ट डेट है 11 तारीख, नहीं तो फिर पेनल्टी चालू हो जाती है। ये समझ में आया क्या? 11 तारीख के बाद अपलोड किया तो पेनल्टी लग जाती है। तो 11 तारीख, 11 दिन दिए, गवर्नमेंट कहता है 11 दिन इनफ है। मतलब सर 11th को ही देना पड़ता है या 11th लास्ट डेट है? वो बात अलग है कि इंडिया में हम लास्ट डेट ही डेट समझते हैं। आप फर्स्ट को दो, सेकंड को दो, थर्ड को दो, 11th ये लास्ट डेट। इज इट क्लियर? तो अगले महीने की 11 तारीख तक आपको क्या देना पड़ता है? GSTR1। ओके, अब गवर्नमेंट ने सफिशिएंट टाइम दिया आपको GSTR1 देने के लिए, 11 दिन दिए हैं। इज इट क्लियर? तो अब यहां पे मुझे आपसे सवाल है कि जब मैं 11th ऑफ मे को GSTR1 दूंगा अप्रैल का, तो उसमें डेटा 11th तक जाएगा या 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जाएगा? कौन ये फेवर में है कि 1 अप्रैल से 11 मई तक का डेटा जाएगा? अरे बाप रे, इतने टैलेंटेड। हाँ, ओके, मंथ का ही जाएगा, सिर्फ 11 दिन ग्रेस पीरियड है। आई रिपीट, 11 दिन ग्रेस पीरियड, बट 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का ही डेटा अपलोड किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। जिसने बॉस आज का लेक्चर मिस किया ना, वो जिंदगी भर पछताएगा पूरे GST में। जिंदगी भर मतलब 38 डेज जिंदगी हमारी। आज का लेक्चर और आपके कोई भी फ्रेंड्स ने अगर मिस किया हो तो बोल देना, क्या हुआ? प्रोजेक्टर जा रहा है, आ गया है, फ्लिप हो रहा है, जस्ट मिनट। तो आज जिसने भी आपके फ्रेंड ने मिस किया होगा उनको समझा देना आज का लेक्चर देख ले भाई, नहीं तो वो तो। और एक मिनट, कोई बटन को हाथ नहीं लगाना, बैठो वहां पे। जो भी AC वगैरह चालू, कोई गड़बड़ क्या हो जाती है कि सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। कल शॉर्ट सर्किट उसके वजह से हुआ है। वर तो ऑफिस में थे, श्रीला बोला। जो ऑनलाइन कनेक्टेड बेटा, जस्ट 2 मिनट्स। चलिए,
वो आ रहा है, वैसे भी प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, मैं हूँ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। चल वेट वेट वेट, अब बेटा ध्यान से सुनो, GSTR 1 जो है वो तो आउटवर्ड सप्लाई जा रहा है। अब क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कहती है, आपका 2 भी तो ऑटो अपडेट हुआ है, है ना, और 1 आपने दिया, 1 मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिया या आउटवर्ड की डिटेल्स दी है। पर कल हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, हमें नेट GST निकाल के देना है। नेट GST कैसे निकालते हम, आउटपुट टैक्स माइनस ITC। मैंने तो GSTR 1 में सिर्फ आउटपुट ही बताया है, अरे है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये आपका आउटपुट टैक्स आपने GSTR 1 में बताया हुआ है और आपका ITC 2B में ऑटो अपडेट हुआ है ना, तो आप हमें एक और फॉर्म दो दोनों का नेट निकाल कर, और वो फॉर्म का नाम होता है GSTR 3B। समझ में आया ना, ये प्रोजेक्टर बग का फ्लिप होता है, यानी खा लू ना सर। तो यहाँ पे एक आपको हमें भाई 11 तारीख को आपने हमें आपका आउटवर्ड का डिटेल दे दिया, यस और नो, आपके 2B में क्रेडिट आ गए। अब आपको अगले महीने के 20 तारीख को, आई रिपीट, अगले महीने के 20 तारीख को एक रिटर्न देना पड़ेगा। आई रिपीट द वर्ड, क्या रिटर्न देना पड़ेगा, GST का, जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न होता है वैसे GST का रिटर्न देना पड़ेगा, और रिटर्न जाएगा GSTR 3B में, रिटर्न जाएगा GSTR 3B। इसमें जाएगा कि मेरी नेट आउटपुट कितना है और मेरा पेमेंट डिटेल्स कि मैंने ये पैसा पे कर दिया है। और ख्याल रहे, पहले आपको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा नेट लायबिलिटी कितनी है, और जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो पेमेंट चालान आपको कर देनी पड़ेगी। समझ लो मेरी नेट GST लायबिलिटी समझ लो 10 लाख आ रही है, तो मुझे 10 लाख पे कर देना पड़ेगा, और पे करके इस रिटर्न में उसका चालान कोड देना पड़ेगा, उसका चालान कोड देना पड़ेगा, फिर ही मेरा रिटर्न अपलोड होगा, उसके बिना अपलोड नहीं होगा। यानी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यू कैन नॉट अपलोड GSTR 3B। आई रिपीट द वर्ड, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यू कैन नॉट अपलोड GSTR 3B। वो GST पोर्टल लेता ही नहीं है, वो सबसे पहले जब वो अपलोड होता है तो चालान चेक करता है, चालान नंबर, और वो होगा तो आगे, पहले पैसा दो, पहले पैसा दो, बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक जनरल आइडिया आ गया GSTR 1 का, एक बार फिर से हो जाए, GSTR 1 ये रिटर्न है या आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, आपके क्रेडिट किस में अपडेट होते हैं, 2B, GSTR 2B, और 3B जो है आपका GST रिटर्न होता है, जिसमें आपको नेट लायबिलिटी निकाल के देनी पड़ती है, और ये सारा सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब यहाँ डिपार्टमेंट नहीं, आपको ही पूरा असेस करके डेटा अपलोड करना पड़ता है। इज इट क्लियर? और ये क्या, ये बिजनेसमैन, ये जो लेमैन है ये नहीं कर सकते, ये नो डाउट गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया के हर सिटीजन खुद सेल्फ असेसमेंट करेगा, पर वो बिजनेसमैन को क्या नॉलेज है GST का, वो हेल्प लेता है हमारे जैसे लोगों की, जो आप FCA हो, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अरे है ना। तो अब ऐसे केस में ओके, आपकी हेल्प लेगा, क्यों, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो सुबह से लेके शाम तक, क्लासेस कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, अरे आया ना। तो और वो जो है आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, और इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, फीस तो जस्ट आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इससे जो आप कमाने वाले हो वो बहुत ज्यादा है, अरे समझ में आया ना। हाँ तो चलिए, तो सर इसका और हम कहाँ, इसका क्या कंसर्न, ओके डीम डिस्टिंग पर्सन, और आप चले गए GSTR 1 3B में, क्या कंसर्न, आगे आगे देखो, डन। चलो अब एक डायग्राम मैं आपके सामने रखता हूँ, पीयूष आखिरी में ऑर्डर आईडी दो बेटा आपका,
चलिए एक डायग्राम ले रहा हूँ सर, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट बैकग्राउंड ले रहा हूँ, क्योंकि फिर इसको ही मैंने नोट्स में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में ले लिया है बाद में, ठीक है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उठा दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। हाँ, नाउ नेक्स्ट, साइलेंट प्लीज। 1, 3 भी समझ में आया, 2 भी समझ में आया, चलो अब समझ लो सैमसंग कंपनी है और सैमसंग कंपनी की फैक्ट्रीज अलग अलग स्टेट में है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस है, एक ही कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस है, ये समझ में आया क्या? अब महाराष्ट्र में भी उनका ब्रांच है, सैमसंग की फैक्ट्री है, कंपनी एक ही है, दूसरा एमपी में भी है, राजस्थान में भी है और चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ मैंने जानबूझ के लिया यूटी, ये समझ में आया। मुझे बताओ सैमसंग कंपनी के पैन जो रहेंगे वो स्टेट वाइज रहेंगे या पूरे इंडिया का एक ही रहेगा? एक ही रहेगा पूरे इंडिया का, ये सर नो? तो समझ लो पैन है, पैन नंबर है सैमसंग कंपनी का, इतना तो आपको बेसिक होना चाहिए कि भाई पैन एक ही रहता है, तो AKKPB3912M पैन कितने अल्फा न्यूमेरिक कोड का होता है? 10 अल्फा न्यूमेरिक कोड का पैन होता है, इज इट क्लियर? अब ये परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का है, कंपनी एक ही है, पैन इंडिया एक ही है, समझ में आया? अब यहाँ पे आज GST काउंसिल मीटिंग बैठी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हम बनाएंगे, आर यू रेडी? सभी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं और स्टेट की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, इसलिए सोना मत, स्टेट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ठीक है? चलिए अब देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में जो सप्लाई होता है, लेट्स टेक एग्जांपल इंट्रा, महाराष्ट्र की फैक्ट्री महाराष्ट्र में बेच रही है, जैसे फैक्ट्री FNB को बेच रहा है और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो मुझे बताओ इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में ही, तो क्या लगेगा? CGST और SGST। ये जो SGST यहाँ लग रहा है बेटा, सुनो, ये रेवेन्यू किसका है? कौन से स्टेट का? ये S मतलब महाराष्ट्र, GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इज इट क्लियर? GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ऐसे केस में ये रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, यहां तक समझ में आया? चल नेक्स्ट जो है, MP में अगर इंट्रा होता है, MP में अगर इंट्रा होता है तो बताओ वहां भी CGST और SGST लगेगा? ये रेवेन्यू MP गवर्नमेंट का है, MP गवर्नमेंट का है। उसके बाद में राजस्थान में इंट्रा होता है तो CGST एंड SGST लगेगा, ये रेवेन्यू राजस्थान गवर्नमेंट का है। और चंडीगढ़ में अगर इंट्रा होता है तो CGST एंड और ये रेवेन्यू चंडीगढ़ यूटी GST का है, चंडीगढ़ यूटी का है, ये सर नो? तो ये चंडीगढ़ का है, डन। अब आपसे एक सवाल है कि GST में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मुझे बताओ सैमसंग कंपनी पूरे इंडिया का GST में एक ही रजिस्ट्रेशन लेगी या स्टेट वाइज लेगी? स्टेट वाइज क्यों? स्टेट वाइज क्यों? मुझे रीजन चाहिए, एक ही जैसा पैन एक ही होता है, पूरे इंडिया का पैन एक ही होता है, पर GST में रजिस्ट्रेशन उनको पूरे इंडिया का एक ही मिलता है या स्टेट वाइज लेना पड़ता है? स्टेट वाइज लेना पड़ता है, क्यों स्टेट वाइज? अब रीजन बताता हूं, एक कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं तो शायद आपके लॉजिक को पड़ जाए। मुझे बताओ सैमसंग कंपनी सारे CGST और SGST का पेमेंट पूरा महाराष्ट्र में करना चाहती है, एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, यानी जो सप्लाई MP में किया, जो राजस्थान में किया, जो चंडीगढ़ में किया, सबका GST महाराष्ट्र में देना चाहती है, क्या ऐसा पॉसिबल है? GST डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, अरे है ना, वो MP वाली गवर्नमेंट कहेगी बिजनेस हमारे यहाँ पैसा हो महाराष्ट्र को, या अभी राजस्थान वाली कहेगी वाह ओके ये चोखों को नहीं लागे, ओके तो जहाँ गए तो जहाँ तक देखा जाए तो राजस्थान वाले कहेंगे वाह बिजनेस हमारे यहाँ, ओके और उधर तो चंडीगढ़ वाला ओके, तो इन शॉर्ट
जहां का टैक्स वहीं पे करना पड़ेगा। yes, ये समझ में आया? yes, तो बॉस अगर हम मुझे एमपी का टैक्स एमपी में देना है तो एमपी में रजिस्ट्रेशन चाहिए। yes. अगर मुझे राजस्थान में देना है तो राजस्थान, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है। yes, और स्टेट वाइज कंपल्सरी है। तो मुझे सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स का ये पूछना है कि हम रजिस्ट्रेशन सिंगल रखें जीएसटी में या स्टेट वाइज रखें? स्टेट वाइज रखें। यूनानिमस रिजोल्यूशन डन, तो रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज रखेंगे। यानी सर अब इमेजिनेशन बढ़ाओ, अगर सर मैं पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं तो 28 स्टेट्स है प्लस थ्री कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी, ओके, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, यानी 31 स्टेट हुए जीएसटी के हिसाब से, और 5 यूटी है, 31 और 5, 36। तो क्या मुझे 36 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते हैं? अगर पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहे हो क्या? सर मुझे 36 रजिस्ट्रेशन संभालने पड़ेंगे। हाँ, तो बेटा जीएसटी तो लॉ बड़ा अच्छा है, कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, कंप्लायंसेस बढ़, 36 रजिस्ट्रेशन मुझे यहां पे लेना पड़ेगा। अब आपसे सवाल पूछता हूं, अगर रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है कंपलसरी, मतलब महाराष्ट्र का और कंपलसरी है, तो मुझे बताओ जीएसटी अब आया पिक्चर में, GSTR 1, अब आया GSTR 3B, आया ना? तो बताओ GSTR 1 और GSTR 3B, बेटा ये पॉइंट यहां मुझे अपने मूवी में यहां प्लॉट डालना था, इसलिए 1 और 3B पहले पढ़ाया। ये समझाया नहीं तुमने? तो बताओ GSTR 1 और 3B, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है सभी फाइनेंस मिनिस्टर, कि सबका एक ही देना चाहिए या अलग अलग जाएगा? बॉस सबका रजिस्ट्रेशन अलग है, सबका यूजर आईडी पासवर्ड अलग बनेगा, सबका टैक्स अलग अलग जाएगा, सबका बदला लेगा। समझ में आया क्या? तो सबका GSTR 1 अलग जाएगा, सबका GSTR 3B अलग जाएगा। बेटा जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है बताइए, समझा होगा तो सारे स्टूडेंट लिखिए यस सर और लाइक करो, ठीक है? ओके, तो यहां पे याने अच्छा, GSTR 1 और 3B क्या मंथली है क्वार्टरली है? ईयरली तो है नहीं। कैलकुलेटर लो, एक कैलकुलेटर लो, और जो ऑनलाइन कनेक्टेड वो भी कैलकुलेटर लो। मुझे बताओ, मुझे मंथ के 2 कंप्लायंस करने ही पड़ते हैं, एक है 1 और 3B, तो 12 महीने के 24 हो गए, 12 × 2 यानी कितने हो गए? 24 हो गए, प्लस मेरे 36 रजिस्ट्रेशन है, तो 24 × 36, हाँ, मतलब मेरा पूरा इंडिया में अगर बिजनेस चल रहा है तो मुझे 864 रिटर्न साल के देने पड़ेंगे। नहीं समझा? ये रिटर्न तो अलग, मतलब 1 और 3B प्लस मुझे एनुअल रिटर्न भी देने पड़ते हैं, प्लस मुझे एनुअल रिटर्न भी देने पड़ते हैं, तो प्लस वो 36, समझ लो एक GSTR 1, और समझ लो सैमसंग कंपनी का पूरे इंडिया का काम मुझे मिल गया, पूरे इंडिया का काम मुझे मिल गया, 864 तो ये हुए, प्लस एनुअल रिटर्न भी होते हैं उनके। अब मेरी GSTR 1 फाइल करने की फीस है 20,000 रुपए, और GSTR 3B फाइल करने की फीस है 50,000 रुपए। अरे आया ना, सैमसंग कंपनी है भाई, छोटे लोगों के तो बात अलग होगी, तो 20 और 50 70,000 रुपए। अरे आया ना, तो बॉस कर लो कैलकुलेशन। अब इसलिए मैं कहता हूं तुम फीस तो छोटी सी दे रहे हो, कमाओगे बहुत। यस, इन शॉर्ट यहां पे अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। पहले तो मुझे बताओ सबके GSTR 1 अलग हो गए या सबका 3B अलग होगा? यस, इसका भी GSTR 1 और इसका भी 3B अलग होगा, इसका भी GSTR 1 और 3B अलग होगा, और GSTR 1 वह अलग होगा। और बेटा इतनी कंप्लायंस कॉस्ट लग जाती है एक कंपनी को, और ये कंपलसरी है, गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन नहीं था। गवर्नमेंट ये जो है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन रख नहीं सकती थी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था,
गवर्नमेंट को लॉ बनाना ही पड़ा कि कंपल्सरी आपको स्टेट वाइज अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। और इससे जो है इंडस्ट्री की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई। ओके, इंडस्ट्री की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए जीएसटी को अपोज किया गया था कि भाई यार ये क्या है। और स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर ने तो बहुत किया, क्योंकि सर्विस टैक्स पहले सेंट्रल था। कुछ याद आया आपको? सर्विस टैक्स पहले सेंट्रल था, एक ही रजिस्ट्रेशन था। आज उसी समझ लो वी स्मार्ट है। वी स्मार्ट के साथ ऐसा हुआ कि 2017 के पहले एक ही रजिस्ट्रेशन था, और 2017 के बाद हमारे 18 रजिस्ट्रेशन है। ये समझ में आया? जहां जहां हमारे ऑफिस है, जो स्टेट्स में। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में सर्विस प्रोवाइडर के कंप्लायंसेस तो बहुत बढ़ गए। पहले सर्विस टैक्स जो है सेंट्रल था, इसलिए एक ही रजिस्ट्रेशन और एक ही रिटर्न। आज 18 रजिस्ट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 2, 36 रिटर्न। यस और नो? तो इसमें लोगों की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ गए। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब यहां पे ये तो था यहां कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन। सर, सेपरेट रजिस्ट्रेशन कैसे मिलता है आपको? रजिस्ट्रेशन आपका पैन बेस ही मिलता है। मतलब क्या होता है कि अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में ओके, आपके ही पैन के सामने कोड लग जाता है। जैसे महाराष्ट्र का 27 आपके पैन के सामने कोड लग जाता है, और उसके बाद में आपका एंटिटी कोड होता है, जो भी अगर कंपनी होगी तो कंपनी, ट्रस्ट होगा तो ट्रस्ट, इंडिविजुअल होगा तो इंडिविजुअल, और लास्ट में ओके चेकसम नंबर होता है, कुछ नंबर वेरीफाई करने के लिए लोकेट होते हैं। ये समझ में आया ना? तो ये आपका होता है जीएसटीन। ये क्या होता है आपका? जीएसटीन। एक बार बताओ, पहले दो कोड कौन से होते हैं? स्टेट कोड, फिर क्या होता है? पैन, फिर होता है एंटिटी कोड। एंटिटी मतलब कंपनी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव, जो भी, हर को कोड दिया हुआ है, और फिर चेकसम नंबर। ये होता है आपका जीएसटीन। वैसे आपको एमपी का, अच्छा मुझे एमपी का मिलेगा तो क्या चेंज होगा बेटा? एमपी का सीबीए ये चेंज होगा और चेकसम नंबर चेंज होगा। एंटिटी तो वही है कंपनी, मतलब पैन फिक्स होता है, सिर्फ उसके आगे स्टेट कोड लगता है और चेकसम नंबर बदलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मैं मेरे डिस्कशन पे आता हूं। क्लियर हो गया आपका कि भाई सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि जहां से आप बिजनेस कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है। अब मेरा एक ऑफिस जो है दिल्ली में है, दिल्ली में है, और जस्ट ऑफिस है, ऑफिस है ओके, बैक ऑफिस होगा या फिर इंक्वायरी हैंडलिंग के लिए, पर यहां से कोई भी सप्लाई नहीं हो रहा है। आई रिपीट द वर्ड, क्या यहां से? और रियली ऐसा है, दिल्ली में वीस्मार्ट का ऑफिस है, पर वहां से हम नहीं, कोई सप्लाई नहीं करते। वहां सिर्फ स्टूडेंट के कोई प्रॉब्लम हो गए, कोई इश्यूज हो गए, इंस्टॉलेशन के प्रॉब्लम हो गए ओके, तो हम वो सॉल्व करते हैं। बाकी जो भी ऑर्डर देनी है ऑनलाइन ऑर्डर दो। इज इट क्लियर? तो अब ऐसे सिचुएशन में बेटा कि मुझे बताओ कि यहां से कोई सप्लाई नहीं हो रहा है, कोई सेल नहीं हो रहा है, कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑफिस सेटअप करके रखा हुआ है, तो क्या दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आंसर इज नो। ओके, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है सेक्शन 22 में और 25 में, आगे में पढ़ा होगा, कि रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी है स्टेट वाइज, पर वो स्टेट में कंपलसरी है जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, जहां से आप क्या बिजनेस कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। मतलब अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, एक नया वर्ड क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहां पे, ओके प्लेस ऑफ बिजनेस होगा तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करो। प्लेस ऑफ बिजनेस के डेफिनेशन में उन्होंने दो चीजें बहुत क्लियरली कवर की। ओके, जहां से आप सप्लाई कर रहे हो, जहां से क्या सप्लाई कर रहे हो, या आपका वेयर हाउस है गोडाउन, या आपका वेयर हाउस और गोडाउन, अगर वेयर हाउस और गोडाउन होगा तो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये सारी चीजें आने वाली है, सारी चीजें आने वाली है, क्लियर? तो ये प्लेस, ये बताओ, ये ना मेरा वेयर हाउस है ना मेरा गोडाउन है, और यहां से कोई सप्लाई भी नहीं है, तो
तो इसका रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। इट जस्ट अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, एक नया वर्ड, इट जस्ट अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बट नॉट अ प्लेस ऑफ बिजनेस। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके चलिए, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, जो भी स्टूडेंट को डाउट होगा पूछ सकता है, और बिंदास पूछो क्योंकि यहां जीएसटी मेरे अलावा किसी को नहीं पता। यस, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने की, और आपको आई होप समझ में भी आया होगा। हाँ उधर भेजना पीछे। वेयरहाउस भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना गया है बेटा, और आपका वेयरहाउस होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो डेफिनेशन में कवर किया है वेयरहाउस आपका प्लेस ऑफ बिजनेस में। हाँ सर, अगर दोनों स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस हुआ तो फिर कैसा रहेगा? दोनों स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन कुछ सप्लाई हुआ गुड्स का, इंटर स्टेट हुआ तो हाँ। मैं लूंगा, इंटर स्टेट कवर करूंगा, अभी इंट्रा स्टेट होगा। हाँ सर, अगर वी स्मार्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर को, स्टूडेंट्स को, तो उस टाइम पे जीएसटीएन किसका आएगा? और स्टूडेंट के केस में जीएसटीएन नहीं जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, जीएसटीएन आपका सिर्फ बी टू बी में जाता है, बी टू सी में सामने वाले को क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया क्या? देखो, मुझे कस्टमर का जीएसटीएन क्यों लिखना पड़ता है? क्यों? क्योंकि जब मैं जीएसटीएन लिखूंगा कस्टमर का, तो उसके टू बी में अपडेट होगा, आया ना, और उसके टू बी में अपडेट होगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा। पर जब ट्रांजेक्शन बी टू सी होते हैं तो आपको क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको क्रेडिट की जरूरत ही नहीं है। तो वो केस में जो है वहां डिटेल नहीं, वहां टोटल जाती है। जैसे वी स्मार्ट के ये बैच में जितना भी टोटल कलेक्शन हुआ, टोटल अमाउंट अपलोड होती है, फिर वो इनवॉइस अपलोड नहीं होता है। थोड़ा मैं वो आगे बताऊंगा, अभी इतना ही समझ ले कि बी टू बी में हर इनवॉइस अपलोड होता है, इनवॉइस मतलब डिटेल्स, और बी टू सी में कंसोलिडेटेड डिटेल्स आती है, ठीक है। और कोई डाउट? एक मिनट, ऑनलाइन जीएसटी चालान क्या होता है आगे पढ़ा होगा बेटा। कोई भी टैक्स पेमेंट जो होता है, ओके इशिका, कोई भी टैक्स पेमेंट जो होता है वो कैश में नहीं दिया जाता है। अगर हमने कोई भी टैक्स पेमेंट ऑफिसर को कैश में दे दिया तो ऑफिसर गायब कर देगा पैसा। तो टैक्स पेमेंट एक चालान से होता है, जैसे तुमने आरटीओ की चालान भरी होगी, अरे है ना, तो कोई भी टैक्स पेमेंट चालान से होता है तो उसको जीएसटी चालान बोला जाता है। नहीं ऑफिस सर्विस नहीं, यहां पे एक मिनट, मैं ऑफिस सप्लाई नहीं कर रहा है, ओके, दिल्ली ऑफिस कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, किसी को बेच नहीं रहा है, वहां पे कोई कलेक्शन नहीं है, वो जस्ट ऑफिस है। तो अगर वो जस्ट ऑफिस होगा और वहां से कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा है, समझ में आया क्या, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बेटा टू बी और थ्री बी में कंफ्यूजन, टू बी आपका इनपुट क्रेडिट का स्टेटमेंट है और थ्री बी आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी है, नेट जीएसटी लायबिलिटी है। एवरी सर्विस प्रोवाइडर whose turnover exceeds 20 lakhs required to register under GST. दो मिनट, अगर सप्लायर ने GSTR 1 सबमिट किया तो आपके 2B में अपडेट हो जाएगा, आपके 2B में अपडेट हो जाएगा तो आपको क्रेडिट जरूर मिलेगा। 1B कहां से लाया बेटा? एक मिनट, आप अपना दिमाग मत लड़ाओ, जितना मैंने अभी आपको दो ही डॉक्यूमेंट बताया, कौन से दो डॉक्यूमेंट बताया? GSTR 1, एक मिनट, GSTR 1 कौन देता है? सप्लायर, और टू बी किसका होता है? रिसिपिएंट। सप्लायर जो टैक्स पे करेगा उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, और वो क्रेडिट अपडेट होगा आपके टू बी में। इज इट क्लियर? चलिए एक मिनट, हाँ सर, एक मिनट, पहले तो मैं आपको सबको बता दूं जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, 1B 3B ड्यू डेट प्रोसीजर प्रोसेस क्या होगी सब बात में। मैंने अभी तक तो ना रिटर्न चैप्टर चालू किया, ना रजिस्ट्रेशन चालू किया, अभी तो जस्ट सिर्फ क्या है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बस इतना दो लाइन में बताओ। GSTR 1 समझा?
वन क्या है? आउटवर्ड सप्लाई। इससे ज्यादा मत सोचो, इससे ज्यादा मत सोचो। जीएसटीआर वन आउटवर्ड सप्लाई, और टू बी रिसिपिएंट का आईटीसी डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई। इज इट क्लियर? इससे ज्यादा प्लीज मत सोचो, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा सोचने लगोगे तो इतने डाउट्स आ जाएंगे, डाउट्स क्रिएट द कंफ्यूजन। जबकि मैंने रिटर्न चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया, मैंने रजिस्टर, मैं अभी तक तो सप्लाई की डेफिनेशन नहीं बताया। समझ में आया क्या? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, बेटा एक हर्ष, ओके, वन टू बी थ्री बी में डिटेल्स कैसे रिफ्लेक्ट होगी वो बाद में। चलो, हाँ आपका क्वेश्चन पूछो सर। वो फिर आपकी भी, अगर दिल्ली वाले वी स्मार्ट ऑफिस को कोई चीज पे आईटीसी क्लेम करना है, फिर वो किसका जीएसटी? नहीं नहीं, वहाँ पे जहाँ तक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और वहाँ के आईटीसी का क्या होता है वो आईटीसी चैप्टर में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, दिल्ली वाले ऑफिस से अगर एक रुपए का भी सर्विस जाता है और एक रुपया भी कलेक्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब भी समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन, यस, वेट फॉर दैट। चलिए, अभी कोई सवाल नहीं जीएसटी आर वन और थ्री बी। मैंने आपको पहले कहा कि ये कंसेप्ट इतना लूगा कि आप कहोगे बस सर समझा, पैर पढ़ते हूँ मैं, समझा, अरे है ना। तो अभी यहाँ पे रुक जाओ, अभी सिर्फ डोर बांधिए। बेटा कोई ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं जीएसटी आर वन थ्री बी पे, मैं बहुत डिटेल में लूंगा आगे, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ कि ये जो है थ्री बी आपका रिटर्न है, थ्री बी आपका रिटर्न है, दिल्ली का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं अगर तो वहाँ पे एक रुपये का भी कलेक्शन नहीं है। समझ में आया? सिर्फ वहाँ पे ऑफिस सेटअप हुआ है, वहाँ से कोई भी सप्लाई नहीं है, कोई बिलिंग नहीं है, कोई इनवाइस नहीं है, नथिंग नथिंग नथिंग। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अब एक सवाल है, समझ लो। इन द स्टेट, एक बार फिर से मेरे साथ सब कनेक्ट हो जाओ, क्या आपको रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेना है? कंपलसरी है? पर रजिस्ट्रेशन सारे एस्टेब्लिशमेंट के लेने पड़ते हैं या जहां से सप्लाई हो रहा है? इंक्लूडिंग वेयर हाउस, इंक्लूडिंग वेयर हाउस। अब देखो वेयर हाउस क्यों, तो गवर्नमेंट को यह पता होना चाहिए कि तुमने अपना गुड्स कहां रखा हुआ है, नहीं तो तुम तो गायब कर दोगे। तो वेयर हाउस का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, ठीक है? उसके बाद में नाउ दूसरा, अब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लेते हैं, ठीक है? वी स्मार्ट का पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे में यहां पे ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर है अंडर सेम पैन, आई रिपीट द वर्ड अंडर सेम, यहां से ट्रेनिंग सर्विस दी जा रही है, बिलिंग ट्रेनिंग का बन रहा है। वी स्मार्ट का नागपुर में स्वीट शॉप है, वी स्मार्ट स्वीट शॉप, डाइवर्सिफाई हो रहा है भाई। आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, इंडियन टोबैको कंपनी आटा भी बनाती है आशीर्वाद, अरे है ना, आशीर्वाद आटा भी बनाती है, कहाँ टोबैको कहाँ आटा, समझ में आया क्या? तो समझ लो स्वीट शॉप है, और ये स्वीट शॉप में नहीं, पैन एक ही है, पैन एक ही है, ये समझ में आया? जैसा हमारे, अब ये बात अब चलो बताई देता हूँ, ट्रेनिंग कोचिंग है, सेम वी स्मार्ट में होटल इंडस्ट्री है, सेम वी स्मार्ट में रियल इस्टेट है, अरे समझ में आया ना। ओके, तो यहाँ पे अब स्वीट शॉप है, तो ये स्वीट शॉप में यहाँ पे मिठाई बेची जा रही है, एक जगह ट्रेनिंग दी जा रही है, एक जगह मिठाई, दूसरा तीसरा लेता हो यहाँ पे नगर, ये तो नागपुर था, नगर
नगर में वी स्मार्ट का यहाँ पे शू शॉप है। अच्छा, तो शूज नाला है तो समझ लो सिंपल वर्ड में जूते चप्पल। तो यहाँ पे अब ये वी स्मार्ट यहाँ से जूते चप्पल बेच रहा है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। एक जो है समझ लो यहाँ पे नासिक, अब नासिक में महाराष्ट्र में नासिक में वी स्मार्ट का थिएटर है और वो थिएटर मल्टीप्लेक्स है, मल्टीप्लेक्स है और वहां से एंटरटेनमेंट सर्विस दी जा रही है, ऑल अंडर सेम पैन। अरे है ना, ऑल बिजनेसेस अंडर सेम पैन। अब आपसे ये एक है और दूसरा है कि महाराष्ट्र में आपसे सारे फाइनेंस मिनिस्टर से मैं कुछ बात करना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे वी स्मार्ट के सारे ट्रेनिंग सेंटर ही है और वी स्मार्ट का एक एग्जांपल में डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ये समझा नहीं समझा? अगर सारे ट्रेनिंग सेंटर है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सब एक ही नेचर का बिजनेस है, सारे ट्रेनिंग सेंटर है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि एक स्टेट में सारों का एक ही रजिस्ट्रेशन लिया जाए या अलग अलग लिया जाए? तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सुनो, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि अगर बात सेम स्टेट की है, ओके, तो हम ये आप पे छोड़ते हैं कि आपको सिंगल चाहिए या मल्टीपल चाहिए रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन, तो आपको अगर आप सेम स्टेट में हो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन। ये नालायकी कि किसने सिखाई आपको? तो सिंगल रजिस्ट्रेशन चाहिए या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए? ये समझा है नहीं समझा? तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, एक बार फिर से, अलग अलग स्टेट में तो आपको कंपलसरी अलग रजिस्ट्रेशन लेने हैं क्योंकि स्टेट कोड ही बदल गया। अरे है ना, इन द सेम स्टेट गवर्नमेंट ने ये टैक्स पेयर पे छोड़ा है कि आपको सिंगल चाहिए या मल्टीपल। तो जनरली क्या होता है कि मेरे डाइवर्सिफाइड बिजनेस है तो ये डाइवर्सिफाइड बिजनेस में गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी, गवर्नमेंट कहेगी आपको सिंगल लेना है तो सिंगल लो। फायदे क्या है कोई बता सकता है? सिंगल रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के ड्रॉबैक क्या है? कोई माइक है किसके पास? माइक आ गया, माइक, हाँ इधर दो, पीछे पीछे, कौन आप कौन बताना चाहे आप बताओगे, पीछे दो, सिंगल रजिस्ट्रेशन देता हूँ, देता माइक देता हूँ। सिंगल रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या, कौन बता रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पर्टिकुलर, मतलब जहाँ जहाँ बिजनेस अपने जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट से बता। फिर जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट दे, उसको दे, एक उसको दे, हाँ जस्ट अ मिनट। कंप्लायंसेस कम हो जाते हैं, कंप्लायंसेस कम हो जाते हैं सिंगल रजिस्ट्रेशन में, कैसे? अलग अलग रजिस्ट्रेशन का, अगर मैं एक ही रजिस्ट्रेशन सारे ब्रांचेस के का लूं इन अ सेम स्टेट तो मुझे एक ही जीएसटी आर वन देना है, हाँ। है ना, और एक ही जीएसटी आर थ्री भी देना है। जीएसटी आर वन इज आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट और थ्री बी इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी एंड दैट इज योर रिटर्न। डिटेल डिस्कशन लेटर ऑन, मैं पूरा फॉर्म बताऊंगा थ्री जीएसटी आर वन और थ्री बी का, तब तो आपके जहन में बैठ जाएगा कि हाँ समझ गया। ये समझ में आया क्या? तो फायदे क्या है, अगर आपने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया तो पूरे महाराष्ट्र का एक ही जीएसटी आर बन जाएगा, एक ही थ्री भी जाएगा, यस और नो? लेकिन लेकिन अगर आपने क्या सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए, जितने रजिस्ट्रेशन उतने जीएसटी आर वन, उसने जीएसटी आर थ्री भी, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए तो वो केस में आपके फिर कंप्लायंसेस भी बढ़ गए। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो समझ लो मैंने डिसीजन लिया कि छोड़ने और कंप्लायंस बढ़ जाएगा, सबका मिला के एक ही रजिस्ट्रेशन लेते हैं, मतलब क्या ट्रेनिंग कोचिंग स्वीट शॉप शूज, ओके शूज शॉप और आखिरी में क्या सबका एक ही लेते, कौन बढ़ाएगा कंप्लायंस, एक ही लेते। बॉस अगर मैंने एक ही रजिस्ट्रेशन लिया
पता नहीं आप कितना इमेजिन कर पाओगे, पर सोचो मेरा एक ही GSTR1 जाएगा, एक ही GSTR1 में कैसा दिखेगा, ट्रेनिंग कोचिंग टू स्टूडेंट, शूज सेल, चप्पल सेल, वो देखो वन देखो कैसा दिख रहा है, ओके स्वीट, ओके अरे समझ में आ रहा है, स्वीट में भी अलग अलग, काजू कतली अलग, ओके रसगुल्ला अलग, और उसके बाद में थिएटर, यानी एक ही GSTR1 में अलग अलग दिखेगा कुछ। अच्छा जनो मेरा टू बी देखो कैसा दिखेगा, टू बी, टू बी मतलब क्रेडिट ना, मैंने बेंचेस खरीदे, मैंने कैमरा खरीदा, मैंने बेसन खरीदा, अरे यस सर ना, मैंने शुगर खरीदी, मैदा खरीदा, फिर वापस लेदर या शूज खरीदा, एंड वन टू वन कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। बेसन का क्रेडिट ट्रेनिंग में, अरे पता नहीं आप इमेजिन कर पा रहे हैं, एक ही GSTR1 है, एक ही टू बी है, वन टू वन कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी। तो कैसा दिखेगा, टू बी में खरीद रहा हो, बेसन का क्रेडिट, इसका क्रेडिट, लेदर का क्रेडिट, और इधर आउटपुट में यूज कर रहा हो। उसके बाद चलो ये कर तो लूंगा, ऑफिसर आएगा, स्टॉक बता बेसन का कितना है, मैदे का स्टॉक बता, लेदर का स्टॉक बता, शूज का स्टॉक बता, अरे हा या ना। तो जहां तक जैसा है बेटा, अभी क्वेश्चन इन बिटवीन पूछो भी मत, नहीं तो स्क्रॉल हो जाएगा, जब मैं कहूंगा तभी क्वेश्चन पूछो। तो ऐसे सिचुएशन में स्टॉक मैच करने में दिमाग खराब हो जाएगा मेरा, यानी मैं सोचा था GSTR1 एक ही देना पड़ेगा, थ्री बी एक ही देना पड़ेगा, तो फायदे के लिए सोचा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो सह नहीं पाता, समझ में आया। तो ऐसे केस में जनरली हम एडवाइस करते हैं कि अगर आपके नेचर अलग अलग है तो इट इज बेटर टू टेक अ क्या, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो हमें स्टॉक टैली करना, मैच करना, ऑफिसर की स्क्रूटिनी करना इजी हो जाता है, स्क्रूटिनी को हैंडल करना इजी हो जाता है, यस और नो। हाँ अगर आपका सेम नेचर है, आई रिपीट, अगर आपका सेम नेचर है तो यू कैन टेक अ मल्टी सॉरी सिंगल रजिस्ट्रेशन, इट इज एडवाइजेबल टू टेक अ सिंगल। एक बार फिर से, आप गवर्नमेंट कोई फोर्स नहीं करती, गवर्नमेंट कहती है एक ले लो, दो ले लो, दस ले लो, या ये दो मिल के एक लो, इसको अलग अलग करो, या तीन मिल के यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, इसको अलग कर दो, ये समझ में आया क्या। तो ऐसे सिचुएशन में सिंपल वर्ड में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ साइलेंट प्लीज, तो यहाँ इन अ सेम स्टेट होगा, इन अ सेम स्टेट होगा, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर टू टेक वन रजिस्ट्रेशन या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। आई होप यू अंडरस्टूड, बट स्टेट वाइज तो अलग अलग करने पड़ेंगे। यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? अब देखो बैकग्राउंड मैंने बताया, अब मेन प्रोविजन पे आता हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, सब मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 25(4) क्या कहता है? अच्छा मुझे बताओ डीम डिस्टिंग पर्सन मतलब क्या? एक तो पर्सन की डेफिनेशन देखी हमने, डीम डिस्टिंग पर्सन है ना, क्या मतलब वो अलग अलग नहीं है पर डीम, डीम मतलब माने जाएंगे, माने जाएंगे कि वो अलग अलग है, इज इट क्लियर? डीम डिस्टिंग पर्सन में वो देखो क्या कहते हैं, अ पर्सन हु हैज ऑप्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, ऐसा पर्सन जिसने ले लिया हो या लेना है रजिस्ट्रेशन मोर देन वन, ओके वेदर इन वन स्टेट और यूटी, क्या एक स्टेट में वो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकता है, यस और नो, इन वन स्टेट और यूटी और मोर देन वन स्टेट और यूटी, सिंपल वर्ड में जिसके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है और रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, इज इट क्लियर? ओके इन वन स्टेट और डिफरेंट स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन, अंडरलाइन द वर्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन बी ट्रीटेड एज क्या, डिस्टिंक्ट पर्सन,
हर रजिस्ट्रेशन के लिए वो अलग अलग पर्सन माना जाएगा। मैसेज दे दिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने कहा गांव वालों जितने रजिस्ट्रेशन करवाओगे उतने अलग अलग माने जाओगे और सबके कंप्लायंसेस अलग अलग होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था ओके सर, स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन क्यों करना कंपल्सरी? बाप रे, स्टेट वाइज सेपरेट रजिस्ट्रेशन का पूरे एक घंटा पढ़ा दिया। बेटा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज इन बिटवीन क्वेश्चन ना पूछे, लिख के रखे और जब मैं कहूँगा तब पूछे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक है, चलो प्लीज इन बिटवीन आयुष इन बिटवीन क्वेश्चन ना पूछे, जब मैं पूछूंगा तभी पूछे। डन, चलो तो ये समझा सिंपल वर्ड में, इफ यू हैव मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट और डिफरेंट स्टेट देन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन यू आर ट्रीटेड एज सेपरेट पर्सन, डीम्ड सेपरेट। तो मैं आगे एक वर्ड यूज करूंगा डीडीपी, डीडीपी मतलब डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब वो वैसे अलग नहीं है, वो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस है, पर जीएसटी के लिए वो अलग अलग माने जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो अब आपका एक कॉन्सेप्ट और ले लेता हूं। नाउ अब गवर्नमेंट ने एक आगे सेक्शन 71A पैरा 1, ये बाद में पढ़ा होगा, सिर्फ ये समझ लो सेक्शन 71A पैरा 1 ओके आगे आएगा। ढूंढो मत, दिखेगा नहीं तुमको, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ओके सॉरी ए नहीं, ए नहीं, सी ओके शेड्यूल 1 एंड पैरा 1 ओके ढूंढो मत, दिखेगा भी नहीं। ये देखो क्या है, सप्लायर जो है महाराष्ट्र में, सॉरी एक ब्रांच, ब्रांच 1 कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, नो डाउट वो प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस ऑफ बिजनेस है मतलब आइदर सप्लाई हो रहा है या फिर वेयर हाउस, समझ में आया, या फिर वेयर हाउस है। और दूसरा ब्रांच 2 ओके वो समझ लो यहाँ जो है वो गुजरात में है। ब्रांच 2 कहाँ पे है? गुजरात। डन। कभी कभी ये जो स्टॉक, समझ लो महाराष्ट्र में एक स्टॉक खरीदा था 1000 क्वांटिटी का, ध्यान से सुनना, जिसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपये, CGST था एट द रेट 9% और SGST था एट द रेट 9% 9,000 रुपये एंड 9,000 रुपये। ठीक है, नो डाउट महाराष्ट्र में खरीदा था, क्रेडिट ले लिया, आया ना। लेकिन गुजरात ब्रांच से और गुजरात ब्रांच से रिक्वेस्ट आई कि भाई गुजरात में स्टॉक नहीं है तो आप महाराष्ट्र का स्टॉक कहाँ ट्रांसफर कर दो? गुजरात में। गुजरात में अभी इमरजेंसी है, आप ब्रांच है, हो सकता है, है ना, जिसे हम ब्रांच ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है, या स्टॉक ट्रांसफर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक ट्रांसफर। तो ये स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गया, ये स्टॉक ट्रांसफर कर दिया गया कहाँ पे? गुजरात। और गुजरात में स्टॉक ट्रांसफर हो गया पूरा पूरा पूरा, ट्रक में क्वांटिटी लोड हुई 1000 और लोड होने के बाद ये कहाँ जा रहा है? गुजरात। अज्यूम करो पूरा कर दिया, ठीक है, क्रेडिट उसके लिए गए थे महाराष्ट्र में, ये स्टॉक पहुँचेगा कहाँ पे? गुजरात। और गुजरात में जब बेचा जाएगा, ये समझ में आया ना, गुजरात में जब बेचा जाएगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा? CGST और गुजरात SGST। मतलब ये जो गुड्स के क्रेडिट लिए महाराष्ट्र में, क्रेडिट लिए कहां पे? महाराष्ट्र में, बेचा गया गुजरात में और गुजरात का SGST लगा,
तो अब सवाल ये आता है और कैसा है कि स्टॉक जा रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्लियर प्रोविजन लाया। पहले तो मुझे बताओ क्या दोनों DDP है? अरे है ना, दोनों डीम डिस्टिंक्ट पर्सन है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो बहुत फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पे क्रेडिट ले लेगा और बोल देगा मैंने तो स्टॉक गायब कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, ब्लैक में बेच दिया, और बोलेगा मैंने गुजरात दिया हुआ है, मैंने उधर दिया हुआ है, मैंने इधर दिया हुआ है। अरे है ना, ऐसे इतने फ्रॉड हुए ना पुराने CST में, आपको क्या बताओ कि स्टॉक ट्रांसफ़र विदाउट टैक्स अलाउड था। आई रिपीट, स्टॉक ट्रांसफ़र। तो क्या हो जाता था, महाराष्ट्र में क्रेडिट लेते थे, अंडर कटिंग में बेचते थे या ब्लैक मार्केटिंग में बेचते थे, और स्टॉक मैच नहीं हो रहा, अरे हमने तो भेजा हुआ है कर्नाटका में, अरे है ना, हमने तो भेजा हुआ है उधर जम्मू एंड कश्मीर में, ऑफिसर कहता था बताओ जाओ तुम देख लो। ये समझा है नहीं समझा, क्योंकि बहुत अंडर कटिंग और ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा पहले तो ये DDP हो गए, और आपका ये स्टॉक ट्रांसफर पर भी GST आएगा। बोथ आर सेपरेट पर्सन, स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो स्टॉक ट्रांसफर भी GST आएगा। अब आप बोलोगे सर बेचा थोड़ी, GST आएगा। अरे सर सेल थोड़ी किया, GST आएगा। अरे सर बट सर मन नहीं मान रहा है, मना लो। सर कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, मेरे ब्रांच को ये समझ में आया क्या? क्या ये स्टॉक ट्रांसफर में भी, यानी ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर क्या GST लगेगा? हाँ, गवर्नमेंट कह रहा है कि पहली बात तुम GST लगाओ और उधर भेजो। अच्छा जी, 2 मिनट के मान लो यार, सारे लोग मान लो GST लगेगा, क्योंकि वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक मार्केटिंग को कट करना बहुत जरूरी है, अरे है ना, और ट्रांजेक्शन में कंट्रोल, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल में लेना बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर 2 DDP में, आई रिपीट 2 DDP में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है तो क्या GST लगाया जाएगा? यस, इवन दो इट जस्ट अ स्टॉक ट्रांसफर। आई होप यू अंडरस्टूड, उठा उसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो यहां पे मैं सरप्राइज हूं कि नींद कैसे आ रही है, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते एनर्जेटिक हो रहा हूं। ठीक है, ये समझा स्टॉक ट्रांसफर। हाँ, तो ऐसे केस में अब यहां पे ये जो स्टॉक ट्रांसफर होने वाला है, इस पर मान लो GST आएगा। अब मुझे बताओ कौन सा GST आएगा? IGST आएगा। स्टॉक ट्रांसफर के वैल्यूएशन क्या होगा फिर? सर GST लगाना है तो वैल्यू चाहिए, हमने तो ये बेचा ही नहीं, हम तो अपने ब्रांच को दे रहे हैं, तो फिर वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए स्पेशल रूल है, और रूल 28 है, जो अभी इंटर के सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में आता है, अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मान लो। अरे है ना, तो जो आपकी परचेस वैल्यू, अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मान लो, बाकी तो रूल्स डिटेल में फाइनल में देखना, आपकी जो वैल्यू है पीयूष, अगर आपने अप स्पैन किया तो आपको तो कन्वर्ट करके मिलेगा ही नहीं, मैं यहां पे भी ब्लॉक कर दूंगा, डोंट स्पैम इट। तो यहां पे जहां तक देखा जाएगा तो 1 लाख रुपए जो है, ये समझ लो मैंने उतनी वैल्यू बताई, कितने खरीदा था मैंने 1 लाख का, उतनी बताई वैल्यू, तो मेरी वैल्यू यहाँ क्या बता दिया मैंने, 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये वैल्यू बता दी, क्या लगेगा बेटा? IGST 18,000 रुपये, यस और नो? डन। अब अगर ब्रांच वन की नेट GST निकालना है, ब्रांच वन का ये हुआ उसका आउटपुट, वो GSTR1 में अपडेट कर देगा, है ना, GSTR1 में अपडेट कर देगा। अब ब्रांच वन का नेट GST निकालना है तो कैसे आएगा? आउटपुट टैक्स, एक मिनट, आउटपुट टैक्स क्या है? IGST, ब्रैकेट में IGST, कितना? 18,000।
ये 18,000 है, 18,000 लेस आईटीसी, क्या मैं सीजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी में यूज कर सकता हूं? हाँ हाँ, और एसजीएसटी का क्रेडिट? हाँ, तो क्या ये नील हो गया? मतलब यहाँ क्रेडिट लिए थे, यहाँ क्रेडिट हमने खत्म कर दिया, अरे है ना। अब ये बिल जाएगा किसके पास? ब्रांच टू के पास। क्या ब्रांच टू का वो इन्वर्ट हो गया? तो अब क्या होगा, जब मैं ब्रांच वन जीएसटी आर वन देगी, अरे है ना, जीएसटी आर वन देगी, तो ब्रांच टू के टू बी में वो अपडेट हो जाएगा। ब्रांच जीएसटी आर टू बी में अपडेट हो जाएगा, और क्या अपडेट हो जाएगा? आईजीएसटी। और अब जैसे अपडेट हो गया, इधर से बिल भी आ गया जीएसटी लग के, यस और नो? अब ये जब आगे बेचेगा क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ लो सीजीएसटी यहाँ पे लग रहा है 12,000 रुपए, और यहाँ पे लग रहा है एसजीएसटी क्या 12,000। क्या आईजीएसटी का क्रेडिट मैं सीजीएसटी में ले सकता हूँ? हाँ। और क्या एसजीएसटी में भी ले सकता हूँ? हाँ। तो अगर कोई कॉमन सेंस देखे, वैसे तो ट्रांजेक्शन हो गया, कॉमन सेंस देखे तो गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म में क्या किया बताया? क्या यहाँ क्रेडिट लिया, यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ क्रेडिट लिया, यहाँ खत्म करके नील कर दिया, यस और नो? क्रेडिट को आगे बढ़ाया, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, नहीं समझ रहा? क्रेडिट को आगे बढ़ाया, और जहां बेचा जा रहा है, जो डेस्टिनेशन पे बेचा जा रहा है, वहां पे क्रेडिट दिलवाया। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑनलाइन समझ में आया क्या? इतना बताओ, बाकी क्वेश्चन नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया ऑनलाइन, ये बताओ। अगर आप फ्लो देखते हो, ख्याल रखना, स्टॉक ट्रांसफर पे अगर टैक्स नहीं लगाते तो आईटीसी का फ्लो बिगड़ जाता, स्टॉक ट्रांसफर पे अगर जीएसटी नहीं लगाते तो ब्लैक मार्केटिंग हो जाती, स्टॉक ट्रांसफर पे अगर जीएसटी नहीं लगाते तो स्टॉक मैच करना मुश्किल हो जाता, यस और नो? इसलिए इससे जैसे ही जीएसटी लगाया, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ये समझ में आया? तो जैसे ही स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगाया, तो पहला सवाल, क्या स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी आएगा? उसका वैल्यूएशन, क्योंकि आप इनवॉइस बेच तो नहीं रहे हो, तो उसका वैल्यूएशन एज पर रूल होगा, ये समझ में आया? टैक्स इनवॉइस बनेगा, टैक्स इनवॉइस में रिमूव होगा, और यहाँ का क्रेडिट जो है वो पे हो जाएगा, और आगे क्रेडिट कंटिन्यू हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलिए, तो ये था डीम डिस्टिंग पर्सन, और एक फ्लेवर मैंने ऐड किया, कौन सा? स्टॉक ट्रांसफर। सर, ये दोनों को अगर मर्ज कर दे तो क्या होगा? देखते हैं ब्रेक के बाद। धन इशिका रुक जाओ, ये टू बी में जो जीएसटीआर वन आउटपुट टैक्स होता है जीएसटीआर वन में, वो टू बी में अपडेट होता है सामने वाले को, थोड़ा मैं आगे आपको समझाऊंगा, रिवीजन में कवर हो जाएगा बेटा। ये सिर्फ स्टॉक के केस में नहीं है, कोई भी गुड्स ट्रांसफर किया, आगे मैं कवर करूंगा, और नौ कोई भी गुड्स ट्रांसफर किया तो वो केस में जीएसटी लगेगा, धीरे धीरे आगे मैं कवर करूंगा। ब्रांच टू एक सेपरेट पर्सन मानो, ब्रांच टू एक सेपरेट पर्सन मानो बेटा, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये इतना इतना रिवाइज होगा कि आपको समझ जाएगा, जरूरत नहीं है नोट डाउन करने की। थैंक यू। बेटा कुछ प्रेजेंट पेजेस जो प्रिंट नहीं हुए हैं, तो आखिरी में आपका ऑर्डर आईडी डाल देना, मेरी टीम कोऑर्डिनेट करेगी और आपको मेल करेगी। वैल्यू 1,00,000 अज्यूम की है शिवम, कि भाई जितना परचेस किया उतनी 1,00,000 वैल्यू हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अज्यूम की है,
वो तो रूल 28 से फिक्स होगी। ब्रांच वन को नुकसान नहीं हुआ, उसने क्रेडिट लिया और वो उसका क्रेडिट आईजीएसटी में भी यूज हो गया। ठीक है सर, अगर 30th को गुड्स खरीद, Thank you.
वेल सो आशीष ये बहुत आगे का क्वेश्चन है, बाद में लेंगे आईटीसी का, समझ जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको तो आईटीसी नहीं मिलेगा, कुछ चीज़ें आगे समझेगी, अभी तो सिर्फ मैं सिर्फ डोर बांध रहा हूँ, ठीक है। आपके सवालों के आंसर मिल जाएंगे। सुमना तो आगे आएगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है, चल। हाँ ये हमने देखा सेक्शन 25(4) साइलेंट प्लीज, बातें शाते मुलाकातें क्लास के बाद, ठीक है। अभी क्लास में सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना है आपको। चलिए 25(4) हमने देखा, आगे एक डायग्राम पे आते हैं, ये डायग्राम देखेगी ऑन पेज नंबर आई थिंक क्या है पेज नंबर भाई 43 पे। देखो आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे होंगे, सर अनरजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा, आईटीसी कैसे होगा, सब देखेंगे आगे। अभी सिर्फ 3-4 बातें जो मेन जरूरी हैं वो है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की, ठीक है। एक छोटी सी डोर बांधी मैंने GSTR 1 और 3B, जिसको आगे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है डोंट स्ट्रक विद द डाउट्स ऑफ GSTR 1 एंड 3B, चीज़ों को आगे बढ़ने दो, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है लाइफ में क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो साइलेंट प्लीज। अब एग्जाम्पल लो, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मेरी फैक्ट्री है, इन द स्टेट ऑफ ओके एमपी समझ लो, एमपी में वेयर हाउस है, एमपी में वेयर हाउस है, और गोवा में मेरा डेपो है, मेरा ही डेपो है, डेपो मतलब जहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ, गोवा में डेपो है, नो डाउट फैक्ट्री से भी सप्लाई करता हूँ। ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, POB मतलब ओके, ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से, हाँ एक बात बताऊँ, वेयरहाउस से कभी कभी सेल भी होती है, पर सेल नहीं भी होगी तो वेयरहाउस और गोडाउन स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ क्या, प्लेस ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि तुमने गुड्स या स्टॉक कहाँ स्टोर किया हुआ है, अगर गवर्नमेंट को पता नहीं और तुमने कहीं भी स्टोर कर दिया तो फ्रॉड होने के पूरे चांसेस है, इज इट क्लियर। इसलिए मन को मना लो कि वेयरहाउस भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है, इज इट क्लियर। चलो चलो उसके बाद में नेक्स्ट, यहां पे ये भी आपका जो डेपो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ से आप सेल करते हो। मुझे ये बताओ, तीनों अलग अलग स्टेट्स में हैं तो क्या तीनों के सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? हाँ, तीनों के सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, इधर भी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, इसका भी रजिस्ट्रेशन होगा एमपी में जो है, इसका भी रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा और डेपो का भी रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग स्टेट में। अब मुझे ये बताओ, तीनों का अगर हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो क्या वो DDP बोला जाएगा? yes, हाँ या ना? yes, तो इक्वल्स टू DDP बोल दो, रजिस्ट्रेशन के सामने ही DDP हो गया, डीम डिस्टिंग पर्सन, DDP मतलब डीम डिस्टिंग पर्सन, और DDP हो गया डन बेटा। अब आपका स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है फैक्ट्री से वेयरहाउस टू DDP, फैक्ट्री से डेपो टू DDP, क्या स्टेटस है? ये जो स्टॉक जा रहा है, स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, क्या होगा इसका?
मेरा पहला सवाल, क्या इसे सप्लाई बोला जाएगा? हाँ। अब मन नहीं मानता है तो भी मना लेना, मैंने बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक दे दिए, ठीक है। क्या इसे सप्लाई बोला जाएगा? उसके बाद में दूसरा, ओके, दूसरा अगर हम यहाँ देखें तो सप्लाई बोला जाएगा तो जीएसटी आएगा, टैक्स इनवॉइस भी बनेगा, आई रिपीट द वर्ड, क्या? टैक्स इनवॉइस बनेगा, और टैक्स इनवॉइस बन के उसमें आईजीएसटी लग के सामने वाले को चले जाएगा, सो दैट सामने वाला उसका क्रेडिट ले लेगा। इज इट क्लियर? तो ये बताओ, ये रियल सेंस में अलग अलग है या ब्रांचेस है? ब्रांचेस है, पर जीएसटी के लिए अलग अलग माने जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पे ऊपर ऐसा एरो करके लिखो डिटेल में, टाइटल देना स्टॉक ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर, फर्स्ट डैश, इट्स अ सप्लाई, इट्स अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1, अंडर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1, फास्ट में लिखो, शेड्यूल 1 पैरा 1, ठीक है। क्या टैक्स इनवॉइस बनेगा यहां पे? ओके, तो लिखो टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस भी बनाया जाएगा, और थर्ड यहां पे आईजीएसटी इज पेएबल। ये आईजीएसटी क्यों बेटा? क्योंकि वो इंटरस्टेट है, इसलिए आईजीएसटी इज पेएबल। डन? अच्छा, ये जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है उसका क्या? ये स्टॉक ट्रांसफर हो रहा उसका क्या? सेम आएगा। तो अब आप ये कॉपी करो, साइड में लिखो और आप कॉपी करो, स्टॉक ट्रांसफर टू डेपो, स्टॉक ट्रांसफर टू डेपो, सारे पॉइंट लिखो, कॉपी करो आप। ठीक है, सेम सप्लाई बोला जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट, सेम स्टेट में उसकी ब्रांचेस है, आई रिपीट, सेम स्टेट में उसकी फैक्ट्री है, उसका ही शोरूम है जहां से सेल करता है, और उसका ही डेपो है, और सेम स्टेट में है। अब मैं थोड़ा ऐसा लेता हूं कि मुझे ये बताओ, क्या वो सबका मिला के एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है? हाँ। क्या वो अलग अलग भी ले सकता है? हाँ। क्या वो दो का एक और ये अलग ऐसा भी ले सकता है? हाँ। तो मैं ऐसा डॉट डॉट करके बताना, ये दो का सिंगल रजिस्ट्रेशन है, ओके, ये दोनों का सिंगल रजिस्ट्रेशन है, डन, दोनों का सिंगल रजिस्ट्रेशन है, और ये जो उनका यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट है, ठीक है, यानी उनका शॉप, ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, डन। तो ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन है मतलब DDP हो गया, हाँ या ना? मुझे ये बताओ, ये जो स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है इसका क्या होगा? क्या ये सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, क्या होगा? पहले तो क्या ये सप्लाई बोला जाएगा? आया ना? तो लिखो,
स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, स्टॉक ट्रांसफर टू शॉप, लिखो पहला पॉइंट, इट्स अ सप्लाई, इट्स अ सप्लाई अंडर सेक्शन 71C, 71C डैश शेड्यूल 1 डैश पैरा 1, सॉरी मेरे से गलती हो गई, डैश पैरा 2 करना सभी जगह, मेरे से गलती होगी, नॉट पैरा 1 पैरा 2, ऊपर भी पैरा 2 कर दो, सभी जगह पैरा 2 कर देना, डैश पैरा 2 सभी जगह पैरा 2 कर देना, ऊपर दो जगह है यहाँ पर भी, तो स्टॉक ट्रांसफर ये जो है पैरा 2 में सप्लाई बोला जाए। दूसरा लिखो टैक्स इनवॉइस, सप्लाई हुआ दूसरा इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस बनेगा, और तीसरा ये बताओ IGST लगेगा या CGST लगेगा, लिखो थर्ड CGST एंड SGST, CGST एंड SGST इज पेबल, इज पेबल, जस्ट अ मिनट, ओके CGST एंड SGST। चलो दूसरा मुझे ये बताओ यहाँ पे, प्लीज अब इन दोनों का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन है, इन दोनों का अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो क्या होगा, स्टॉक ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो अगर ये स्टॉक ट्रांसफर की अगर हम बात करें, ये स्टॉक ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। दूसरा यहां पे इनवॉइस नहीं बनेगा, यहां स्टॉक ट्रांसफर चालान बनेगी, आई रिपीट द वर्ड, क्या स्टॉक ट्रांसफर चालान बनेगी, एंड थर्ड यहां पे जो है ओके नो GST इज पेएबल। लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, not treated as supply. Second, removal under stock transfer challan, removal under stock transfer challan, stock transfer challan, and third, no GST is payable. No GST is payable. ठीक है, अब आपका एक सवाल होगा कि सर ये जो DDP का ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ गुड्स को अप्लीकेबल है क्या, यानी अगर सर्विसेस होगी तो, मैं एक ब्रांच से सर्विस दूसरे ब्रांच में दे रहा हूँ, SBI एक ब्रांच से सर्विस दूसरे ब्रांच में दे रही है, तो उसके केस में क्या होगा, तो वो भी सप्लाई माना जाए, यानी प्रोविजन applicable for goods as well as services. I hope you understood. ठीक है, तो समझ लो मेरा वी स्मार्ट का कोचिंग सेंटर है और एक मेरी वी स्मार्ट की ग्रॉसरी शॉप है. ओके, तो यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया मैंने, इसका भी रजिस्ट्रेशन अलग, इसका भी रजिस्ट्रेशन अलग, तो दोनों भी DDP माने जाएंगे, दोनों भी DDP माने जाएंगे, येस और नो, अच्छा दोनों भी DDP माने जाएंगे. अगर मैं यहाँ से कोई सर्विस देता हूँ, आई रिपीट द वर्ड, क्या सर्विस देता हूँ, किसको, मेरी ही ब्रांच को,
तो क्या वो भी सप्लाई माना जाएगा? यस, लिखो यहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डीडीपी पहला लिखो, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई, कशिश वो रिमूवल अंडर स्टॉक ट्रांसफर चलाना है, ठीक है, रिमूवल अंडर स्टॉक ट्रांसफर चला, ठीक है, यहां क्या लिखा आपने, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 71C शेड्यूल 1 पैरा 2, सेकेंडली गुड, सर्विस अंडर क्या रहेगा, टैक्स इनवॉइस, और बताओ सेम स्टेट में है, अगर सेम स्टेट में है तो सी जी एस टी एंड एस जी एस टी इज पेबल। तो ये तीन डायग्राम से हमें समझ गया कि गुड्स हो या सर्विस, डी डी पी को दिया तो इट वुड बी ट्रीटेड एज सप्लायर, ये समझ में आया। नाउ फोर डायग्राम, हाँ, अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर डी डी पी 25(5), ध्यान से मेरे साथ पढ़ो, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सभी जो ऑनलाइन कनेक्टेड है सवाल बाद में पूछिएगा, पहले ध्यान से सुनो, वेयर अ पर्सन हु ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन अ स्टेट मतलब एक स्टेट में, इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कोई स्टेट में उसने रजिस्ट्रेशन लिया हो, ओके, या रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनादर स्टेट और यूटी, और उसकी और एस्टेब्लिशमेंट है जो अनादर स्टेट में है, देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 25(4) और 25(5), दोनों पढ़ो और बताओ, और 25(5) दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों भी डीडीपी है, दोनों भी प्रोविजन डीडीपी है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है वो भी पढ़ो, मैं आपके आंसर देखूंगा। पढ़ो 25(4) एंड 25(5), क्या डिफरेंस आ रहा है समझ में? यस, सर 25(4) में उन्होंने बताया कि डिफरेंट रजिस्ट्रेशन है, वेयर एज 25(5) में उन्होंने बताया कि डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट है, तो सर एक एग्जांपल के तौर पे अगर 25(5) में सपोज मेरा आपने जो दिल्ली का एग्जांपल दिया, सर जो दिल्ली का ऑफिस आपका रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन सर अगर आपने 25(4) से, यानी सपोज सर आपने पुणे के ऑफिस से दिल्ली के ऑफिस को कुछ सर्विसेज सप्लाई किया या गुड्स दिया, हाँ, तो सर फिर वो दिल्ली का ऑफिस भी विल बी ट्रीटेड एज डीडीपी माना जाएगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट, ओके, बहुत बढ़िया। मैं आपको थोड़ा ये इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, पहली बात तो अगर सेक्शन 25(4) को, इसलिए तो मैंने उसमें दिल्ली डाला था, ये समझ में आया क्या, 25(4) में बोला है कि दोनों रजिस्टर्ड हो गए, इफ़ यू हैव मोर देन वन रजिस्ट्रेशन इन अ सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, तो आपका ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है, तो दोनों क्या माने जाएंगे, डीडीपी। और 25(5) क्या कहता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड इन अ स्टेट, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, अरे है ना, हो सकता है वो रजिस्टर्ड ना हो और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट अनादर स्टेट में होगी, कंडीशन देखो अनादर स्टेट में होगी, मतलब एक बार फिर से आपकी एक एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड है स्टेट में और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट क्या, जस्ट एस्टेब्लिशमेंट है इन अ क्या, अनादर स्टेट, तो ये भी डीडीपी माना जाएगा। अरे सर बट रजिस्टर्ड नहीं है इन अनादर स्टेट, तो वो भी डीडीपी माना जाएगा।
मतलब हमारे एग्जाम्पल में दिल्ली ऑफिस है ना, इवन दो रजिस्टर्ड नहीं होगा तभी वो डीम्ड डिस्टिंग पर्सन माना जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है तो कंप्लायंस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अब आपको बताता हूं, सबसे पहले मैं बार बार एक नाम यूज कर रहा हूं, स्टॉक ट्रांसफर, तो डोंट कंसर्न विद जस्ट स्टॉक, वो एक्चुअली गुड्स ट्रांसफर है। अरे है ना, यानी आप कोई भी गुड्स देते हो या कोई भी सर्विसेज देते हो अपने डीडीपी को तो वो सप्लाई माना जाएगा। अभी 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 2 महीने पहले एक चीज हुई मेरे साथ, प्रैक्टिकल केस स्टडी बताता हूँ। हमारे दिल्ली ऑफिस में 2 TV खराब हो गई, तो दिल्ली ऑफिस के स्टाफ का कॉल आया पुणे में और कहा कि सर यहाँ की TV खराब हो गई, डिस्प्ले में TV चाहिए, बहुत से बार स्टूडेंट्स आते हैं। तो हम जब उनको बताते कि ये बैचेस है, वहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा है, समझ में आया क्या, हम बताते हैं तो सर TV नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा TV पड़ी थी, तो मैं महाराष्ट्र से TV भेजता हूँ दिल्ली। ये बताओ, महाराष्ट्र से दिल्ली TV भेजा, स्टॉक मतलब मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ था, मैंने ट्रांसफ़र किया अपने ही ब्रांच को, क्या सप्लाई बोला जाएगा? सबसे पहले तो क्या वो DDP है? रजिस्टर नहीं भी होगा तो भी 25-5 में, आई रिपीट 25-5 में वो DDP माना जाएगा। और अगर वो DDP माना जाएगा तो महाराष्ट्र से जो स्टॉक जा रहा है, महाराष्ट्र से जो गुड्स जा रहा है, क्या उस पर GST आएगा? यस yes. मैंने दिया GST उसके TV पे, आई होप यू अंडरस्टूड। वो बात अलग है कि वहाँ क्रेडिट मिलने वाला नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, समझ, क्रेडिट का लॉस हो जाता है, समझे नहीं समझे? बाकी डिटेल डिस्कशन इन ITC, डिटेल डिस्कशन इन ITC, पर इट्स अ DDP, आई हैव टू पे GST ऑन व्हाट एवर द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दिल्ली ब्रांच, आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपका मन माने या ना माने, एक बार फिर से देखो, अ पर्सन हु इज ऑप्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट, मतलब ऐसा पर्सन जिसने एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है ना, और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन अनादर स्टेट, एक मिनट, ये दूसरी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ होनी चाहिए? अनादर स्टेट में, अनादर स्टेट में होगी तो ही डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। ये समझ में आया क्या? Establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of क्या? Distinct person. I hope आपको समझ में आया होगा। Yes, जो online student connected है please बताओ, अगर समझ में आया होगा तो Y type करो फटाफट, जितने भी student connected है, ठीक है? तो चलिए, ये हमने 2 concept देखे DDP के, कौन से 2 section देखे? 25-4 and 25-5. तो समझ लो मेरी factory पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे में है, महाराष्ट्र पुणे में है, और HO जस्ट ऑफिस है, HO एस्टेब्लिशमेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन इन अनादर स्टेट और ये रजिस्टर्ड है, अगर दिल्ली ऑफिस से लेक्चर सेल होते हैं तो देन इट्स अ सप्लाई, फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन लिया और यहां से यहां, ओके, कोई गुड्स ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेस, तो पहले तो बताओ क्या दोनों DDP बोले जाएंगे? यस, ये भी DDP है और ये भी क्या? DDP है, डीम डिस्टिंग पर्सन। लिखो पहला पॉइंट, इट्स अ सप्लाई अंडर सेक्शन कौन सा? 7(1)(c) शेड्यूल वन पैरा टू। देन सेकेंड, रिमूवल अंडर टैक्स इनवॉइस,
एंड थर्ड रिमूवल अंडर टैक्स इनवॉइस, और कौन सा जीएसटी आएगा? आईजीएसटी. आईजीएसटी इज पेबल. देन कॉन्सेप्ट इज ओवर, माइंड मैपिंग इज ओवर, लॉजिक इज ओवर. सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ. प्रैक्टिस क्वेश्चन. वी स्मार्ट अकेडमी हैव वेरियस ब्रांचेस लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस इन द स्टेट ऑफ क्या? महाराष्ट्र. सारी ब्रांचेस कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज फॉलोज. हेड ऑफिस मुंबई, सॉरी हेड ऑफिस पुणे, ब्रांच मुंबई, नागपुर, नासिक एक्सेट्रा. स्टेट वेदर वी स्मार्ट इज एलिजिबल फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल ब्रांचेस इन अ स्टेट. इफ एंसर टू वन इज यस, देन स्टेट वेदर गुड्स ट्रांसफर्ड और सर्विस प्रोवाइडेड बाय पुणे हेड ऑफिस टू वेरियस ब्रांचेस विद इन अ सेम स्टेट वुड ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी. अगर मैं सिंगल रजिस्ट्रेशन लेता हूँ तो क्या जीएसटी आएगा? नहीं. इज वी स्मार्ट ऑफ फॉर सेपरेट रजिस्ट्रेशन, देन वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस अंडर जीएसटी. ये समझ में आया? ओके लिखो, स्टेप बाय स्टेप सबका आंसर लिखना है. यस बेटा, दोनों सेक्शन के डिफरेंस वगैरह कल वापस रिवीजन में लूंगा. आज आप एक बार पढ़ो, आपको समझेगा जरूर. आज पढ़ो, कल वापस आधी घंटा मैं पूरा रिवाइज करूंगा. ठीक है, चलो लिखो. एज पर सेक्शन 25, पहले का आंसर लिखो. एज पर सेक्शन 25 a person at his option, can take a single registration for all branches in a state. ठीक है. सेक्शन 25 जब पूरा पढ़ाऊंगा मैं, उसमें एक ऑप्शन है कि भाई रजिस्ट्रेशन लेते वक्त वो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है. ठीक है, इन अ स्टेट. अब सेकंड का आंसर लिखो. इफ सिंगल रजिस्ट्रेशन, सेकंड का आंसर लिखो. इफ सिंगल रजिस्ट्रेशन is taken for multiple branches, if single registration is taken for kya? Multiple branches in a same state, then transfer of goods or services from Pune head office to various branches, would not be treated as supply. And no GST is payable. Third, likho. If VSmart opt for separate registration, then under section 25(4)
each such branch, then under section 25(4), each such branch would be treated as क्या deemed distinct person. Each such branch would be treated as deemed distinct person. Para change. As per section 71(c), आगे क्या लिखोगे? Schedule 1, para 2. Schedule 1c, section 71(c), schedule 1, para 2. Transfer of goods or services between DDP, between क्या DDP would be treated as supply. Supply and liable to GST. Done. चलिए तो ये था प्रैक्टिस क्वेश्चन 1. अब आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे. देर आर 3 फैक्ट्रीज ऑफ सैमसन प्राइवेट लिमिटेड अंडर सेम पैन विच आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, दिल्ली एंड मध्य प्रदेश. एक मिनट, फैक्ट्रीज सेम स्टेट में है या डिफरेंट स्टेट्स में है? एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली. Whether company is required to obtain separate registration for each factory? Yes. Whether each of registered factory would be treated as separate person under GST? Yes. Whether stock transfer or service provided from one factory to another factory would be treated as supply and liable to GST? Yes. Also, the state the nature of transaction. मतलब वो interstate रहेगा ना? Nature interstate रहेगा. पर ये कोई यहाँ पे foundation exam नहीं कि yes or no लिख रहे हो. आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है, मैं ये कह दूँ जीएसटी में कंपटीशन से ज़्यादा आप प्रेजेंट कैसे करते हो, इस पे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. इज इट क्लियर? तो चलो लिखते हैं. एक आंसर लिखो. एज पर सेक्शन 25 ई पर्सन a person having more than one place of business in different states then he has to take a registration. That is, state-wise registration is compulsory. ये समझा क्या? That is, state-wise registration is compulsory. Full stop. So in given case, Samson Private Limited is required to obtain, I repeat, so in given case Samson Private Limited is required to obtain separate registration in Maharashtra, Delhi and Madhya Pradesh.
इन महाराष्ट्र दिल्ली एंड मध्य प्रदेश फॉर ईच फैक्ट्री. सेकेंड, वेदर ईच ऑफ द रजिस्टर्ड फैक्ट्री वुड बी ट्रीटेड सेपरेट पर्सन. अच्छा मुझे बताओ ये 24-4 का केस है या 25-5 का है. 25-4 मतलब दोनों रजिस्टर्ड या सारे रजिस्टर्ड, और 25-5 मतलब एक रजिस्टर्ड और दूसरा अनरजिस्टर्ड. तो ये 4 में जाएगा या 5 में. 4 में जाएगा. तो लिखो सेकंड का आंसर. सेकंड का आंसर लिखो. एज पर सेक्शन 25-4, इफ अ पर्सन has obtained more than one registration, more than one registration in a different states, in a different states, then for each registration, then for each registration, it is treated as, क्या बोला जाएगा, each registration it is treated as deemed distinct person, deemed distinct person. ठीक है, done. उसके बाद में नेक्स्ट, वेदर स्टॉक ट्रांसफर और सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम वन फैक्ट्री टू अनदर वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी. चलो लिखो. एज पर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 2 पैरा 2, एज पर सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 2 पैरा 2, ध्यान है आपको, ध्यान है. Schedule 1, Para 2. Transfer of goods or services. Transfer of goods or services from, sorry. Transfer of goods or services between DDP. Between kya? DDP. Between DDP. Would be treated as supply. Would be treated as supply, even though without consideration. ये underline करना. ये point समझा क्या? Would be treated as supply, even though without consideration, and liable to GST. And liable to GST. Para change. In given case, para change. In given case, it would be treated as interstate supply. Transaction puchha na, nature. In given case, it would be treated as interstate supply. And kya hoga? IGST is payable and IGST is payable. Done. So 3 out of 3 marks. समझ में आया? नहीं, ये तो मैंने बनाए हुए क्वेश्चन है. ऐसे ही हम देखेंगे एग्जाम के क्वेश्चंस और RTP के, और जब आप वो देखोगे तो आप बोलेंगे ये इतने लल्लू. समझ में आया? तो आगे आगे देखो. P3 आ जाओ. प्रैक्टिस क्वेश्चन 3. कितने क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन? 4 है ना. 3 पे आ गए, बस एक ही बचा. आ जाओ. हल्दीराम इज रनिंग 2 आउटलेट्स विद डिफरेंट बिजनेसेस विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एज अंडर हल्दीराम स्वीट्स एंड हल्दीराम फुटवेयर. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Whether Haldiram can obtain separate registration under GST for each outlet? Yes, that is option he can take. Whether two business verticals are treated as separate person?
If separate registration is there, then yes. Whether transfer of goods or provision service between such business vertical is treated as supply and liable to GST. अगर वो separate registration लेता है तो yes. Homework दूँ? First जैसा ही है ना? Homework दूँ? चल, कल check करूँगा. Proper presentation के साथ. Done? चलिए, ये homework आपके लिए. P4. XYZ Limited have a factory in Maharashtra registered under GST and unregistered office in Delhi. अब वो दिल्ली वाला example चल रहा है इसलिए दिल्ली मत मानना, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? दिल्ली. Whether the two are treated as DDP? Yes. कौन से section में? लिखो P4 लिखो. 25(5) में आएगा ना? लिखो. As per section 25(5). As per section 25(5), where a person, who obtained or required to obtain registration in a state and has an establishment in another state, then such establishment shall be treated as distinct person. Para change. In given case, XYZ Limited have a registered factory in Maharashtra. I repeat, in given case, XYZ Limited have registered factory in Maharashtra. And unregistered office in Delhi. Bracket mein, that is another state. They are treated as distinct person. Yes. In this way, we have completed the most difficult concept of GST in simplified manner. ठीक है? तो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है डीडीपी, डीम डिस्टिंग पर्सन. चलिए दोस्तों, तो जिसको जाना है जाओ. हाँ, तो यहाँ पे हमने पर्सन के अलग अलग कलर देखो, रंग दे मुझे गेरुआ, ठीक है? पर्सन, फिर क्या देखा हमने, डीम डिस्टिंग पर्सन. पर्सन ही देखो कितने अलग कलर के, डीम डिस्टिंग पर्सन. अब आएगा एक और, टैक्सेबल पर्सन. ओके, टैक्सेबल पर्सन. तो अब यहां पे व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो. ओके, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और क्या, लायबल टू रजिस्टर्ड under section 22 or under section 24. Okay, who is registered or liable to register. नीचे थोड़ा सा space है, हाँ, तो चलो लिख लेते हैं.
थोड़ा सा ही है ना, मुझे उतना ही चाहिए। टैक्सेबल पर्सन दो पार्ट करो, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 24। ठीक है, मैंने एक लाइन को इतना ब्रेक कर दिया और बात निकली है तो दूर तक जाएगी। सेक्शन 91 के चार्ट पे जाओ। सर ये सेक्शन 91 का चार्ट कहाँ था? चुल्लू भर पानी लो और मुंह पे मारो एक बार। 91 का चार्ट कहाँ था? हाँ, पेज नंबर 14 पे होगा शायद। सॉरी, पेज नंबर 40 भी होगा या उसके आसपास, देख लो। ठीक है, 91 के चार्ट हमने तीन पार्ट में दिया। टैक्स कब आता है? लेवी। आज रूम में अपने आप को बंद करके ये ब्रेक डांस करना है। चार्जिंग सेक्शन, लेवी, कलेक्शन एंड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। एक मिनट, पर्सन लायबल टू पे टैक्स कौन है? वहां एक वर्ड दिखेगा, वहां पर्सन दिखेगा या टैक्सेबल पर्सन दिखेगा, वहां से जन्म होता है ये डेफिनेशन का। ये समझ में आया क्या? मतलब सेक्शन 91 कहता है कि जब जब भी इंडिया में इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सप्लाई होगा, गुड्स और सर्विसेज का होगा, अरे है ना, तो टैक्स टैक्सेबल पर्सन ही देगा। अगर वो पर्सन टैक्सेबल नहीं होगा तो टैक्स नहीं देगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो टैक्स टैक्सेबल पर्सन ही देगा। तो आपका कहना है व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? देखा डीम डिस्टिंग पर्सन देखा, अब आएगा व्हाट डू मीन बाय टैक्सेबल पर्सन। बदल दो, टैक्सेबल पर्सन मतलब ही इज नॉट, शी इज नॉट फीलिंग वेल। ठीक लग रहा है बेटा? तो नाउ टैक्सेबल पर्सन मीन्स हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू, मतलब जो रजिस्टर्ड होगा या लायबल टू रजिस्टर्ड होगा अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 20। सिंपल वर्ड में क्या, जी इंडिया में जीएसटी टैक्सेबल पर्सन देता है। टैक्सेबल पर्सन मतलब वो होता है जो जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है या जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अरे हाया ना, जो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। अब जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है वो तो टैक्सेबल पर्सन हो गया। अब आते हैं वर्ड कर कौन सा, लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 एंड 24। चलो बात निकली है तो फिर से कह रहा हूं, डोर बांध रहा हूं। पूरा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दो लेक्चर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ अभी डोर बांध रहा हूं। सेक्शन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दो सेक्शन है, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24। 22 कहता है कि आपको थ्रेशोल्ड के बाद रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कितना थ्रेशोल्ड है? अभी तो 20 लाख ही, 10-40 लाओ मत बीच में, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो अगर किसी का एग्रीगेटर हो, अब पूरा मैकेनिज्म समझ लो, जो भी डाउट्स हो गए ऑनलाइन स्टूडेंट, जो भी डाउट हो गए वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा। जो मुझे लगता है अभी रिलेवेंट है सॉल्व करना वो अभी, जो लगता है रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वो रजिस्ट्रेशन चैप्टर। इज इट क्लियर? अब इनकम टैक्स में कैसा है और यहाँ क्या है? अब देखो मैं किधर के किधर जाऊँगा पर आऊँगा वापस यहीं। इज इट क्लियर? मुझे बताओ इनकम टैक्स में बेसिक एग्जम्पशन कितना है? 2 लाख। समझ लो आपका ईयर है 22-23, 23-24, 24-25। आपको ये आपकी इनकम पहले साल 5 लाख ही है तो भी आपको एग्जम्पशन मिलेगा 2.5 लाख का। दूसरे साल आपकी इनकम 50 लाख हो गई तभी मिलेगा। अरे यस और नो? कितना? और तीसरे साल आपकी 500 लाख हो गई
तभी मिलेगा 2.5 लाख का। मतलब आपका कितना भी इनकम हो, आपको हम 2.5 लाख का बेसिक डिडक्शन, मतलब बेसिक एग्जम्पशन देंगे ही देंगे। अरे यस और नो? भाई साहब ये इनकम टैक्स के कंसेप्ट जीएसटी में मत लगाना, समझ में है ना? ये इनकम टैक्स का कंसेप्ट जीएसटी में मत लगाना। मतलब ओके, आप सोचोगे हर साल 20 लाख 20 लाख 20 लाख, अब कॉन्सेप्ट को समझ लो। अभी अभी आपने बिजनेस चालू किया, ठीक है, और आपका टर्नओवर, आई रिपीट, आपका टर्नओवर 5 लाख का हुआ, कौन से ईयर, 22-23 में, ठीक है, 5 लाख का हुआ, क्या आप 20 लाख से नीचे हो? यस और नो? आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं, यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। यस और नो? इफ यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स यू आर नॉट टैक्सेबल पर्सन। इफ यू आर नॉट टैक्सेबल पर्सन, नो नीड टू पे जीएसटी। अरे लेकिन सर 5 लाख का सप्लाई किया ना, न्याय। अरे सर न्याय, अरे बट एक बार फिर से, 5 लाख, दैट मीन्स यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इधर ध्यान दो, क्लियर? यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इफ यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन। इफ यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन मीन्स no GST, even though you are making supply. Clear? जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है यहां तक समझाओगे तो वाई टाइप करो, वाई टाइप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अब ये 5 लाख, दूसरा साल आया, ध्यान से सुना, दूसरा साल आया 23-24 आया और उसका बिजनेस 15 लाख का हुआ। अब आप कहोगे सर पिछला 5 प्लस 15 20 20, ओके रात गई बात गई, ओके इन शॉर्ट साइलेंट प्लीज। मतलब क्या तुमको इतना नालायक बनाया किसने मेरे को? ओके यहाँ पे ईयर खत्म वो गया, अरे है ना, ईयर खत्म वो गया, अब नया ईयर चालू हुआ, इसमें कितना है 15, मतलब अभी भी आप 20 के नीचे हो। यस और नो? रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, मतलब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, मतलब आपको ये साल भी जीएसटी पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट ईयर में टर्नओवर दिसंबर में ही 20 टच हो गया, टर्नओवर, पहली बात तो पुराना छोड़ देना, ठीक है, अब नया ईयर स्टार्ट हुआ और नए ईयर में फर्स्ट से लेके तो दिसंबर तक टर्नओवर कितना हुआ 20 लाख। वेदर यू आर लायबल, अगर आप लायबल हुए, लायबल फॉर क्या, रजिस्ट्रेशन हुए, ओके लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, तो क्या यहां पे ध्यान सुनो, क्या आप टैक्सेबल पर्सन हो गए? यस yes? आप टीपी हो गए, तो इसके बाद रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, सुनना सबने, इसके बाद आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और सर रिट्रोस्पेक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि यार मेरी स्टेशनरी शॉप होगी, दिसंबर तक मैंने छोटे छोटे किसी को पेंसिल बेची होगी, किसी को रजिस्टर बेचा हो गया, ओके और 20 लाख क्रॉस हो गया और मैं रजिस्टर्ड हो गया और मैं रिट्रोस्पेक्टिव लू, रिट्रोस्पेक्टिव समझ में आता है? हाँ, रिट्रोस्पेक्टिव लू तो किसको बेचा मैंने पेंसिल, रजिस्टर, सबको बुलाना पड़ेगा, आओ भाई आओ जीएसटी दे के जाओ। और है ना, पुराने वालों को बुलाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी जीएसटी आएगा वो प्रॉस्पेक्टिव आएगा, मतलब 20 लाख क्रॉस होने के बाद, 20 लाख क्रॉस होने के बाद अब टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, समझाया नहीं समझा? अब टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा और अब जीएसटी लगाना चालू करना पड़ेगा। 20 लाख तक तो आप अनरजिस्टर्ड थे,
आपको जीएसटी देने की भी जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? अब ये साल हुआ खत्म 24-25 जिसमें आप रजिस्ट्रेशन ले चुके थे, है ना. अब नया साल आया, कौन सा, 25-26. तो सर ये बताओ ये साल में भी 20? अब हमारे चार्ट के पहले वाले पार्ट पे आना है, वंस यू रजिस्टर्ड. नहीं समझा, नहीं समझा. वंस यू रजिस्टर्ड यू बिकम, मतलब अभी तक तो हम लायबल थे, अब नेक्स्ट ईयर हम रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड. ये समझा नहीं समझा? तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो क्या मैं पूरा साल टीपी रहूंगा? यस सर. इस बार कोई 20 लाख का नहीं, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्लियर है. अब 20 लाख क्रॉस कर दिया, अब तुम बड़े हो गया, समझ में आया? अब तुम बड़े हो गया. ओके, अब तुम्हें कंटिन्यूअस जीएसटी देना पड़ेगा. अब आपका सवाल होगा सर अगले साल 20 लाख के नीचे गया तो भी जीएसटी देना पड़ेगा. अब एक एक रुपए पे जीएसटी देना पड़ेगा. सर कोविड था, पूरे साल भर में 1 रुपए का बिजनेस हुआ तभी जीएसटी देना. वंस यू रजिस्टर्ड यू बिकम अ टैक्सेबल. तो मैं लास्ट एक कंक्लूडिंग लाइन कहना चाहूंगा कि यहां 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं है, यहां 20 लाख की रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है. एक बार फिर से मेरे साथ सब बोले, यहां 20 लाख का एग्जम्पशन है क्या? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है. ये रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है. जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है बताओ, यहां तक समझा क्या? ये समझा क्या? यस. तो ये रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड है. तो ऐसे केस में हमने देखा रजिस्टर्ड और लायबल टू. सेक्शन 24 में कुछ केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 24. वो अभी नहीं, पर अभी बेसिक समझ में आया. अब मुझे ये बताओ, एक केस आपके सामने रखना चाहूंगा. बड़ी कंपनीज बहुत सी बार टैक्स इनवॉइस मांगती है क्योंकि उनको क्रेडिट लेना होता है. ये समझ में आया? बहुत से टैक्स इनवॉइस मांगती है क्योंकि क्रेडिट लेना होता है. अभी मैंने फैक्ट्री चालू की, मुझे पहला ऑर्डर ही बजाज ऑटो का आया, समझ में आया? 2 लाख रुपए का ऑर्डर है, समझ में? 2 लाख रुपए का बजाज ऑटो का ऑर्डर आया, बड़ी कंपनी है, और बड़ी कंपनी से मेल आ गया कि टैक्स इनवॉइस दो. अब मेरा टर्नओवर तो अभी 2 ही लाख हुआ है, जबकि मेरे को 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. अब मेरे सामने चैलेंज क्या है? बड़ी कंपनी ने बहुत क्लियरली कहा कि आप टैक्स इनवॉइस दोगे तो ही हम आपसे परचेस करेंगे. अरे है ना, अदरवाइज हम आपसे परचेस नहीं करेंगे. मैं बड़ी कंपनी के ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि एक बार बजाज ऑटो का ऑर्डर मिल गया तो मेरा स्टेटस बन जाएगा कि मेरा क्लाइंट बजाज ऑटो है. अरे है ना, तो अब मैं ये चाहता हूं कि जाने दे 20 लाख का थ्रेशोल्ड, मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं और टैक्स इनवॉइस देना चाहता हूं. तो क्या मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना सकता हूं? यस 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 यस, मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूं. पर ख्याल रखे कि अगर एक बार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया और आप टीपी बन गए तो अब कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. क्या इसके आगे सारे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी आएगा? हाँ, बिकॉज मैं बन जाऊंगा टीपी. यस और नो? एक बार फिर से, 20 लाख तक मतलब गवर्नमेंट कहती है कि देखो आपकी मर्जी, 20 लाख तक हम आपको अलाउ करते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. पर वंस यू रजिस्टर्ड यानी देखो, एक लाइन को चार्ट में बायफर्गेट करते ही कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाते. अरे है ना, वंस यू रजिस्टर्ड
तो क्या आपको अब इसके आगे पूरा जीएसटी देना पड़ेगा? हाँ, आई होप आपके समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। किसी कोई डाउट? चलिए, तो ये हुई डेफिनेशन किसकी, टैक्सेबल। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आओ, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन, मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25। मतलब वो उसने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरा फॉलो किया और उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने आप को किसमें, 25 में। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ता है? जब वो लायबल होगा। लायबल कब होता है? 22 में या 24 में। ये समझ में आया क्या? तो हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अथर्व इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं बाद में कवर करूंगा, उसके लिए एक डेफिनेशन जरूरी है एग्रीगेट टर्नओवर, और उसका आंसर मैं बाद में देता हूं। थ्रेशोल्ड लिमिट टर्नओवर की ली जाती है बेटा, आईटीसी कहां से आएगा उसके अंदर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आगे देखेंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये लर्न करो, मैं समझा नहीं सकता अभी क्योंकि UIN कॉन्सेप्ट आगे आएगा। UIN मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर आगे आएगा, सिर्फ अभी लर्न कर लेना कि रजिस्टर्ड पर्सन में, एक बार फिर से, रजिस्टर्ड पर्सन में कौन पर्सन नहीं आएंगे? जिनके पास UIN हो गए, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ये क्या होता है बाद में पता। ठीक है, ये रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बेटा? सप्लायर। सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेस और बोथ shall means the person supplying said goods or services or both। supplier मतलब कौन बच्चों? जो supply कर रहा है। क्या supply कर रहा है? goods or services। समझ में आया क्या? means the person supplying said goods or services both and shall includes his क्या? agent। उसका agent acting on the behalf of supplier, तो वह agent भी supplier के definition में cover किया जाएगा। चलिए अब ये last रेसिपिएंट। चल ठीक है, मेरे साथ सब पढ़ोगे? बस हो गया, देखो आंखें बंद करो, हो गया। ठीक है, तो रेसिपिएंट यहाँ पे ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो बचपन में इंजेक्शन लिया है ना तुमने, हाँ। तो यहाँ पे मीन्स देखो, वेयर अ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अंडरलाइन अ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। सेकेंड, वेयर नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, अंडरलाइन द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड मेड अवेलेबल और टू हुम पोजेशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल, where no consideration is payable for supply of services, the person whom service is rendered, and any reference to a person to whom supply is made shall be construed as a reference to the recipient of the supply, and shall includes agent, underline agent, acting on the behalf of recipient। sir sach mein bataye, underline ke alawa kuch nahi samjha, to ek kaam karte hain, सिर्फ चार्ट लिख लो, पढ़ा होगा कल, सिर्फ चार्ट लिख लो, पढ़ा होगा कल। चलो लिखो सेक्शन, हाँ लिखो, उसके नीचे स्पेस रखा है मैंने चार्ट का, डेफिनेशन के नीचे मैंने स्पेस रखा हुआ है चार्ट के लिए। चलो लिखो सेक्शन 293 रेसिपिएंट, सेक्शन 293 रेसिपिएंट।
पहला लिखो क्लॉज ए, दूसरा बी मत लिखना, ठीक है? सेकंड, इसमें दो पार्ट आएंगे, बी एंड सी। क्लॉज ए लिखो, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ये वर्ड रेड पेन में लिखो, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर कंसिडरेशन, और दूसरा वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन मानवी, आपने एक सवाल पूछा है, इफ इनकम लेस देन 20 लैक्स देन वी रजिस्टर्ड अवर सेल्फ देन टैक्सेबल पर्सन। पहली बात तो इनकम नहीं, पहली बात तो एग्रीगेट टर्नओवर, वर्ड को चेंज करो, टर्नओवर अगर 20 लाख से नीचे होगा तो आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, मानवी खुद होके रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। अब इनकम और टर्नओवर में क्या डिफरेंस है, इंटर लेवल पे आपको इतना तो पता होगा, नहीं तो छोड़ दो, इंटर भी छोड़ दो, बीकॉम ही बेस्ट है। हाँ, फॉर कंसिडरेशन द रिसिपियंट इक्वल्स टू पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। स्टॉप राइटिंग। मुझे ये बताओ, ऑनलाइन भी स्टॉप राइटिंग, मुझे बताओ कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो सप्लायर बोला गया पर जिसमें कंसिडरेशन नहीं था? अभी देखा था, स्टॉक ट्रांसफर, वो ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन बट इट इज ट्रीटेड एज सप्लायर। इज इट क्लियर? सेक्शन 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 2, समझ में आया क्या? देखो, विदाउट कंसिडरेशन में दो पार्ट करो, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स में रिसिपियंट इक्वल्स टू पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल और पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स इज गिवन। और नेक्स्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेस, सप्लाई ऑफ सर्विसेस, सप्लाई ऑफ सर्विस में रिसिपियंट द पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड। और सब चार्ट को कंबाइन करके नीचे लिखो, चार्ट को कंबाइन करके नीचे लिखो, रिसिपियंट ऑल्सो इंक्लूड्स agent acting on the behalf of
recipient. Then ठीक है, एक सवाल है, अच्छा सवाल है, ले लेता हूँ. ऑनलाइन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मेरा 20 लाख के ऊपर गया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, फिर देखा कि मेरा बिजनेस डाउन हो गया, और फिर एक साल, दो साल, तीन साल देख रहा हूँ वो 20 लाख से नीचे ही है, और मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, कर सकते हाँ हाँ नहीं कर सकते. अगर आपका 20 लाख से नीचे जाता है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो, पर जब तक कैंसिल नहीं करते हो तब तक आपको जीएसटी पे, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो लेकिन जब तक कैंसिल नहीं करते हो तब तक आपको जीएसटी पे करना पड़ता है. उसके बाद में रवि बेटा, वो वैल्यू 1 लाख अज्यूम की मैंने, तो 1.5 ले ले, पर कोई अपनी ब्रांच को प्रॉफिट क्यों लेगा, ब्रांच अपनी है तो वो स्टॉक ट्रांसफर पे प्रॉफिट क्यों लेगा, वो तो उतने में ही बेचेगा, यानी अपने आप से ही कमाना क्या हुआ. ठीक है, चलिए तो बेटा यहाँ आज का सेशन एंड करते हैं. टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी बंधनों को तोड़ के आना. और एक बात कह दूं, आपके कोई भी फ्रेंड आज एब्सेंट हो गए तो प्लीज बोल देना कि लेक्चर देख के आओ, नहीं तो आगे समझने वाला नहीं है. तो ओके, तो कल रिसिप्ट चेक होगा, जिसके रिसिप्ट पे फोटो लगे हैं उनको ही क्लास में अलाउ किया जाएगा. ठीक है, सुबह 7 बजे से चालू हो जाएगी रिसिप्ट चेकिंग. तो चलिए बाय बोलो बच्चों. ओके रूल्स में बेटा अब जाने दो ना रवि, अभी रूल्स में 6 पैरामीटर दिए हैं तो वो डिटेल में अभी नहीं करेंगे. सर एज पर सेक्शन 25 पर्सन हैविंग मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर ईच, देन व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ सेक्शन 25(5)? 25(5) उसको कवर करता है जहाँ से सप्लाई नहीं है, बिजनेस नहीं है, पर उसको DDP माना गया है. प्लीज आप सीट्स रिजर्व मत करके रखो, अगर किसी ने भी सीट रिजर्व की तो उसको यहाँ पे पूरी बारात आएगी, समझ में आया, पूरी बारात आएगी. बेटा आज आपको रिस्पांस मिल जाएगा, आपके जो भी इश्यू है आपका ऑर्डर ID डाल दो प्लीज, जो भी इश्यू है आपका ऑर्डर ID और प्रिफरेबल टाइम डाल दो. क्रेडिट लॉस होते क्योंकि तुम यहाँ से उधर भेजेंगे ना. उसके लिए कॉन्सेप्ट आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई तेरा दिल्ली ही जाएगा, और कहाँ से खरीदा? CGST SGST बिलिंग किसके नाम का वो इम्पोर्टेंट नहीं, तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है. नहीं नहीं वो तो कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें नहीं लिखा है. आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, 25 में लिखा है सेक्शन 25. क्रेडिट लॉस होता था. सर अभी जो आपने बताया रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, तो अगर उसका दूसरे साल जिस दिन वो रजिस्टर हुआ वो कर सकता है, तो कर सकता है मतलब फिर तो वो रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बहुत कॉन्सिक्वेंसेस है, आगे पढ़ा होगा. तुमको ITC रिवर्सल करने पड़ते हैं, स्टॉक के टैक्स देने पड़ते हैं, यानी ये चक्रव्यूह है, जाना आसान है निकलना आसान नहीं है, इतने सारे प्रोविजन लगते हैं कैंसिलेशन पे. दिसंबर नहीं, किसी भी दिन समझ लो 15 दिसंबर को 20 लाख क्रॉस हो गया तो 20 लाख के बाद जो भी बिल बनेगा उसका इनवॉइस नहीं, पहले वाले का नहीं, 20 लाख
जिस दिन 20 लाख, आज दोपहर को 2 बजे 20 लाख खत्म हुआ, उसके बाद के एक एक रुपए पे इनवॉइस लाइबल लाइबल। हाँ यूट्यूब पे देख लो, देख लिए हैं, समझ में आ रहा है अच्छे से? गोवा से? अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट, थैंक यू। मजा आता है, मजा आता है, मस्त लगता है।